Hello people, my name is Shubham Suklecha and we are here to revise the entire session of SEBI Act and LODR, what we have discussed in the last week. तो हमने सेबी और एलओडीआर को पूरा कंप्लीट किया लास्ट वीक में, और आज का सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड है कि हम धुआंधार तरीके से पूरा सेबी एक्ट एंड एलओडीआर रेगुलेशन फॉर सीए फाइनल्स रैप अप कर लें। आई होप यू ऑल सेट एंड रेडी फॉर दिस रिवीजन, राइट? चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आते हैं हम सेबी एक्ट पे। सेबी एक्ट को हमने कैसे पढ़ा था, ये तो हमारे सिलेबस में पूरा सेबी एक्ट है। हमने देखा था बेयर एक्ट को। जब हमने बेयर एक्ट को देखा था तब हमें समझा था कि सेबी एक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। क्या पूरा सेबी एक्ट हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में है? जी नहीं, कुछ सिलेक्टेड ऐसे सेक्शन है जो हमारे सिलेबस में नहीं रखे गए। हमने इस पूरे सेबी एक्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 100% फोकस हियर, आवर टारगेट इज टू एंश्योर दैट वी कवर द एंटायर पार्ट ऑफ सेबी एक्ट इन दिस रिवीजन, एलओडीआर इन दिस रिवीजन एंड ऑल्सो द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ सेबी एक्ट। सेबी एक्ट को हमने पढ़ते समय 6 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जब शुरू होता है यहां से यहां तक का जो सेबी एक्ट है तकरीबन, इसको हम चार्ट वन कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेबी एक्ट एकदम प्रिलिमिनरी कि सेबी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, एक पूरा पावर्स के ऊपर है, इसको हमने सेकंड बोला, जिसके अंदर हमने सिर्फ पढ़े थे सेबी के पावर्स, सेबी के फंक्शंस और सेबी के पावर्स। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक अकाउंट्स एंड ऑडिट तक को हमने चार्ट थ्री करके पढ़ा था, जिसके हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में ये सारे सेक्शंस पढ़े थे। फिर हम आगे बढ़ते यारों, नेक्स्ट फोर्थ में सिर्फ पेनल्टीज पढ़ी थी हमने फोर्थ में, सो एक बेहतरीन चार्ट के फॉर्म में हमने पढ़कर रैप अप किया था। फिर हम आगे बढ़े यारों, फिर हमने इसको फिफ्थ पार्ट में हमने सैट को पढ़ा था। फिर रिमेंबर, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने सैट को पूरा रैप अप किया कि सैट के पास अपील कैसे जाती है, सैट से सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाती है, सैट कंप्राइज ऑफ हू ऑल एंड एवरीथिंग। एंड द लास्ट पार्ट वॉज दिस, जिसको हमने मिसलिनियस बोल के पढ़ा था। तो हमने पूरे सेबी को 6 पार्ट में डिवाइड करके और उसको एंड टू एंड रैप अप किया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेबी एक्ट। चलिए यारो, सेबी के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बात की थी, यही सब, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो हमने पढ़ा कि सेबी इज नोन एज सेबी एक्ट। सेबी एक्ट का शॉर्ट टाइटल कुछ और नहीं है, इट इज सिंपल। नेक्स्ट इज एक्सटेंट, इट is covered, it is applicable on the entire India, whole of India. फिर हमने पढ़ा commencement, तो हमने पढ़ा था 30th January 1992 को ये commence हुआ था। Definitions पढ़े थे, establishment and incorporation of board पढ़ा था कि board क्या है, SEBI जैसे ही form होता है, SEBI is nothing but SEBI is in the form of a body corporate, और जैसे ही body corporate बोलते हैं, body corporate बोलते ही सारे point दिमाग में आ जाते हैं, it has separate legal entity, मतलब उसके पास common seal हो सकता है अपना, it can sue and be sued, it can own property, transfer property in its own name, ये सब आ जाता है। Management of the board के अंदर हम आगे गए थे, terms of office पढ़ा, conditions पढ़ा, removal पढ़ा, meeting पढ़ा, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और वैकेंसी से कुछ नहीं होगा, ये सब पढ़ा। इस तरह से हमें एक एक करके पूरे सेक्शन वाइज पढ़ना है। सो व्हाट आर वी गोना डू, वी आर गोना स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1। हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेबी एक्ट इस रिवीजन में कवर करेंगे। आई अश्योर यू, वंस दिस रिवीजन इज सॉर्टेड, दिस एक्ट, सेबी एक्ट एंड एलओडीआर, इस चैप्टर को लेकर आपके ट्रबल्स शून्य पे आ जाएंगे। क्लियर यार? सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ सेबी एक्ट। आ जाइए यहां पर, चलिए तो सेबी एक्ट के बारे में हम देखते हैं। तो हमने एक बार उसको सेक्शन वाइज तो देखा था, अब यहां पे सीधा हम हिट कर रहे हैं कंसेप्ट वाइज। फोकस करना मेरे साथ में यारों, एज सून एज दिस इज डन वी विल बी हिटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द रिवीजन एंगल, टुवर्ड्स द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? रिवीजन कंप्लीट करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ने वाले हैं। चलो यारों, सबसे पहली चीज क्या दिख रही है हमको, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बोर्ड सेक्शन 3। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 हमने देखा क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेबी एक्ट का द फर्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। शॉर्ट टाइटल इज नथिंग, एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट इज 30th of January 1992। सेक्शन नंबर 2 आता है डेफिनेशन, मेजॉरिटी सेक्शंस के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस मिलती है आपको। सेक्शन 3 आता है जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। व्हाट इट सेज, इट सिंपली सेज सेबी हियरनाफ्टर कॉल्ड बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एज आई वाज सेइंग। तो सेबी क्या है, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही आपके सामने आ जाना चाहिए, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील विथ पार्ट टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टू कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी टू स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ सेबी,
HO of board shall be at Mumbai head office. Board may establish offices at any other place in India. अरे section 3 कुछ नहीं कहता, it simply says SEBI is a body corporate. जैसे ही मैं बॉडी कॉर्पोरेट कहता हूं कुछ पॉइंट्स अपने आप फ्लो हो जाते हैं, दैट देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, उसके बाद में स्यू कैन बी स्यूड, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. फिर पढ़ा कि हेड ऑफिस कहां है सेबी का, हेड ऑफिस इज गोइंग टू बी एट मुंबई, सेट भी मुंबई में, सेबी भी मुंबई में. एंड लास्ट पॉइंट पढ़ा कि वो चाहे तो दूसरी जगह भी अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं. दिस इज सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट. सुपर इजी राइट. सेक्शन 3 इतनी सी बात करता है, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. फिर आते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फोकस किया यहां पर. नेक्स्ट इज सेक्शन में 5, डायरेक्टली हिट करें सेक्शन में 5. क्यों सर, सेक्शन 4 क्या है, इधर आओ. सेक्शन 4 इज मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड. इट सिंपली सेज, सेक्शन 4 सिंपली सेज दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड विल बी अंडरटेकन एज प्रिस्क्राइब्ड. तो जैसा आगे के सेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरह से बोर्ड मैनेज किया जाएगा. एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वहां पे, राइट. तो सेबी के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहने वाला है, उसके बाद में उसके बहुत सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, चेयरमैन, सेबी का एक चेयरमैन रहने वाला है, उसके बहुत सारे मेंबर्स रहने वाले हैं, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ने वाली है. तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया था, तो सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग. टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन मेंबर ऑफ द बोर्ड. टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड. देखते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं वो. फोकस 100% ऑन द स्क्रीन. यस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड, सेक्शन नंबर 5. टर्म एज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होते हैं. सब मेंबर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन होता है. देयर आर 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 बाय आरबीआई, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ होम, 3 हैज टू बी होल टाइम मेंबर्स, राइट. फोकस हियर. सो टर्म इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, कब किसी भी व्यक्ति को सेबी के यहां से निकाला जा सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव अ राइट टू टर्मिनेट at any time before expiry of their tenure by giving 3 months notice in writing or salary and allowance. I hope aapko yaad hai humne kya padha tha ki agar kabhi bhi koi bhi vyakti kisi ko sebi se nikalna chahta hai central government, if central government intends to remove someone from sebi, to wahan pe central government nikal sakta hai. Central government nikal sakta hai by giving 3 months notice, ki aapko 3 months notice dena hai ki 3 mahine baad aapko nikal diya jayega, ya fir 3 months salary and allowance. दोनों में से एक चीज, 3 मंथ्स नोटिस दे दो या 3 मंथ्स सैलरी अलाउंस दे दो, ये देखे निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है. देन कम्स रेजिग्नेशन. अगर कोई व्यक्ति रिजाइन करना चाहे तो भी रिजाइन कर सकता है क्या? यस, कोई भी व्यक्ति अगर सेबी से रिजाइन भी करना चाहे तो रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन करने के लिए उसको भी क्या देना होगा? 3 मंथ्स नोटिस. लुक, हैव अ राइट टू रिलिंक्विश ऑफिस एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 3 मंथ्स. नेक्स्ट इज टेन्योर, कि आखिर चेयरमैन का और मेंबर्स का टेन्योर कितना होने वाला है. द टेन्योर इज गोइंग टू बी ऑफ 5 years. The tenure of chairman and whole time members shall be a period of 5 years, not 3 years, 5 years, subject to maximum age limit of 65 years and can be reappointed by central government. तो आपका tenure रहेगा 5 years का and up to the age of 65. Are you understanding? Can be reappointed but not after the age of 65. तो मान लीजिए आज मेरी age है 60, मुझे 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया, ओके. जैसे 5 इयर्स कंप्लीट हुए मुझे वापस 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, बट द मैक्सिमम एज इज ऑफ 65. वंस आई हैव रीच्ड द एज ऑफ 65, देयर आफ्टर आई कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. रादर आई शुड से आई एम ऑफ द एज 62 एंड दे हैव अपॉइंटेड मी एज अ मेंबर ऑफ सेबी, आई कैन वर्क फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स. सर बट 5 इयर्स का टेन्योर है. नहीं, अप टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 65. सो द टेन्योर इज 5 इयर्स. अ पर्सन इज वेरी वेल एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड बट अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 65 इयर्स. Next is what? Part-time members may also hold office for a maximum of 3 years, 5 years, but there is no age limit. Focus करना है यहाँ पे. हम लोगों ने एक-एक करके डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ ली थी. हम लोग कहाँ हैं अभी भी? हम लोग हैं सेक्शन नंबर 5 पे. तो सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड. फोकस करना अच्छे से. एक बार मैं बता देता हूं आपको कि मेंबर बोर्ड में कौन कौन है. सेबी की बात करते हैं, सेबी के अंदर चेयरमैन, चेयरमैन इज देयर. चेयरमैन के बाद में 2 ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ होम, 3 हैज टू बी होल टाइम मेंबर्स. आई होप यू रिमेंबर. चलिए यार, उसके बाद में आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 7. सर 7 पे आ रहे हैं, 6 कहां गया? सेक्शन 6 रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस. देखते हैं यहां पर सेक्शन 6. फोकस सेक्शन सिक्स रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पार्ट टू रिमूव मेंबर और चेयरमैन. सुनना ध्यान से, ऊपर क्या पढ़ा था
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति को निकालना है तो 3 months नोटिस देके, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति को निकालना है तो 3 months नोटिस या 3 months की सैलरी अलाउंस देके निकाला जा सकता है, यस। बट उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को इन 4 ग्राउंड पे निकाल सकता है, ए बी सी एन डी पे ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। फोकस करना किसको, एट कब, एट एनी टाइम द पर्सन हैज बीन एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। अगर वो व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। ओके, आपको याद आ रहा है, आई इंसॉल्वेंट इफ अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टेप्टिट्यूड, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टेप्टिट्यूड, ओ अब्यूज दिस पोजिशन ए, I U O A. If a person has been declared as insolvent, if a person has been declared a person of unsound mind, if a person has been declared as a person, if a person has committed an offence involving moral turpitude, and if a person has abused this position, in 4 circumstances में उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है. In 4 circumstances में उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है. Okay? So that is about removal. Focus करना. जो management of board हमने पढ़ लिया क्या है कि कौन होगा chairman nominated by union government, central government, 2 members officers from central government, 1 from RBI, 5 other members nominated by government, out of which at least 3 shall be whole time members. Focus करना अच्छे से. ठीक है. Section number 6. Understand very carefully. Then comes section number 7. Meetings of the board. मेरे साथ बने रहना. जैसे ही हम एक part को खत्म करते हैं, वापस BEREC पे जाने वाले हैं. So that आपके दिमाग में एक structure clearly बना रहेगा कि SEBI Act में हम कहाँ पे हैं. Meeting of the board. अरे बहुत ही बढ़िया बात है. Section 7 क्या कहता है कि meeting of the board में क्या? At such time and place as may be provided by the regulation. Meeting उस प्रकार से होगी जैसी regulation में बताई जाएगी. बहुत अच्छी बात है. If chairman is not present and any member present can preside with meeting. Okay, ठीक है. तो अगर chairman नहीं है तो कोई और member है ना, that person will be appointed as the chairman of the meeting for that particular period. Understand? 7A इस chapter का आखिरी, इस chapter का मतलब है हमने जिस तरह से divide किया ना, हमारा पहला part of SEBI खत्म हो जाता है यहाँ पे. Focus करना अच्छे से. 8 तक. So 7A members not to पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टन केसेस. ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे मेंबर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है. जैसे आपने कंपनीज एक्ट में भी 184 पढ़ा होगा, राइट, कि अगर एक कंपनी का डायरेक्टर है हु इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, द पर्सन हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट एट द मीटिंग. ये आपने पढ़ा होगा वहां पे, वही यहां पर भी है. फोकस करना अच्छे से. एनी मेंबर हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड हु एज सच डायरेक्टर हैज एनी इनडायरेक्ट pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of board. Samajhna dhyan se. I am a member of SEBI. Parallelly, I am also a director in a company. I am a member of SEBI. I am also a director in the company. और अब क्या हो रहा है? मेरा यहाँ पे यार pecuniary कुछ interest आ रहा है कि जो कम हमारे SEBI के सामने जो case आया है, उस case में यही company involved है जिसका मैं director हूँ. So I have some interest, right? Directly or indirectly. So if at all I have some interest, then I cannot participate. तो अगर कोई भी मेंबर ऑफ सेबी है, इफ देयर इज एनी मेंबर ऑफ सेबी हु इज इंटरेस्टेड इन, इफ एनी मेंबर ऑफ द सेबी इफ ही इज इंटरेस्टेड बाय व्हाट मींस, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और उसी कंपनी का केस आ गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो इंटरेस्टेड है. तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस हैव कम टू हिज नॉलेज डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड, लिखा नहीं है, एंड ही विल नॉट पार्टिसिपेट. तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि सेबी के अंदर, ये जो हमने पढ़ा ना, चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल फ्रॉम आरबीआई, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ व्हिच 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है कभी जो केस सामने आया उसके अंदर, सो देन दिस पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट. ही हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट. That is section 7. And then we hit section 7A, vacancies etc. not to invalidate proceedings of board. क्या कह रहे हैं? Section 8. Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the board. ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी बोर्ड में कुछ वैकेंसी हो जाती है, या फिर मान लीजिए बोर्ड के अपॉइंटमेंट में कुछ फ्लॉ थे, फिर भी एक एक एक्शन जो उन्होंने लिया है वो वैलिड रहेगा. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मान लीजिए सेबी के अंदर कुछ वैकेंसी है कि ये जो हमारे सारे मेंबर्स है ना, 1 चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल फ्रॉम आरबीआई, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ होम 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर, इन लोगों में से कोई भी नहीं है, फिर भी सेबी ने जो एक्शन लिया वो वैलिड रहेगा. सुना ध्यान से. उसके अलावा मान लीजिए इनमें से किसी का अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी हैज बीन फ्लॉड, उसमें कुछ मिस्टेक थी, फिर भी जो भी एक्शन सेबी ने लिए वो सब के सब वैलिड रहेंगे. फोकस करना क्या लिखा है, एनी वेकेंसी इन बोर्ड शेल नॉट इनवैलिडेट एनी ऑफ द एक्ट्स और प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड. कोई वेकेंसी है तो उससे भी इनवैलिडेट नहीं होगा. सेकेंड, फॉलोइंग रीजन शेल नॉट वैलिडेट एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग, फॉलोइंग रीजन से भी नहीं होगा. क्या? फर्स्ट, डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, कि हमारे सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफेक्ट था,
फिर भी जो भी एक्शन सेबी ने लिए हैं सारे के सारे एक्शन एकदम वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट, और इन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन और मेंबर ऑफ द बोर्ड, अगर बोर्ड पे किसी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था फिर भी सारे एक्शंस वैलिड रहेंगे। लास्ट, एनी इररेगुलरिटी इन प्रोसीजर ऑफ बोर्ड नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ द केस, कोई इररेगुलरिटी रह गई है केस में ऑफ कोर्स व्हिच इज नॉट हैविंग एनी इंपैक्ट ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, कोई भी इररेगुलरिटी रह गई है तो उसके कारण भी कोई भी एक्शंस वैलिड इनवैलिड नहीं होंगे, सारे एक्शंस वैलिड रहेंगे। मेरी बात को समझना अच्छे से, बहुत ज्यादा आसान है, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। वी आर हिटिंग सेक्शन नंबर 8, वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द मीटिंग, वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द मीटिंग। कि अगर मान लीजिए हमारे सेबी के अंदर कोई वैकेंसी है या फिर हमारे सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मिस्टेक रह गई, डिफेक्ट रह गया था, या फिर किसी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट रह गया था, या फिर जो प्रोसीजर फॉलो किया है उसमें कुछ डिफेक्ट रह गया था, दिस विल नॉट इनवैलिडेट एनी एक्शन टेकन बाय सेबी। सेबी के सारे एक्शन फिर भी वैलिड रहेंगे। दिस इज सेक्शन 8, फोकस करना। व्हाट हैव वी डन, वी आर डन विद द पार्ट ए ऑफ सेबी एक्ट, फोकस करना। क्या लिखा है यहां पे, हमारा पार्ट ए क्या है, यहां से यहां तक खत्म हो जाता है, 100% फोकस। अरे देखो कैसा है बेटा जी, जब वहां पे सब कुछ दिखता है ना तो थोड़ा सा हमें लगता है अरे अरे इतना सारा है, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम हियर ना तब आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लगेगा, देखना है। ओके, पार्ट ए सिर्फ 8 तक है, ठीक है, सेक्शन 8 हमें अच्छे से दिमाग में बैठे या नहीं बैठे ये देखो, सिर्फ इतना सा देखो कि सेक्शन 8 हर एक बालक के अच्छे से दिलो दिमाग में बैठे या नहीं बैठे, समझना, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, वेरी इजी, शॉर्ट टाइटल ऑफ सेबी एक्ट इज सेबी एक्ट, एक्सटेंट ऑफ सेबी एक्ट इज होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ सेबी एक्ट इज 30th of January 1992, वंडरफुल। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस कुछ खास काम की नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बोर्ड, डेफिनेशन सेक्शन का एक अपना प्रोमिनेंस होता है, द प्रोमिनेंस इज कि उस पर्टिकुलर एक्ट में जो वर्ड यूज किए गए हैं उस वर्ड को किस रेफरेंस में यूज किया है ये डेफिनेशन में दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो कि जहां पे भी इस एक्ट में बोर्ड लिखा होगा, इट डज नॉट मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाइक कंपनीज एक्ट, इट मीन सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसा। नेक्स्ट इज सेक्शन 3, एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन बोर्ड, कि जैसे ही इससे भी एस्टैब्लिश होता है इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज कॉमन सील, इट कैन सी और बी सूड, इट कैन ओन अक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इट विल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट हेड ऑफिस एट मुंबई एंड इट कैन हैव सच अदर ऑफिस एज डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड में कौन कौन होगा, बोर्ड में होगा एक चेयरमैन, फोकस 100%, बोर्ड विल हैव वन चेयरमैन nominated by central government, two officials of central government union government, one official of RBI, five other members out of whom three have to be whole time members nominated by central government. Fifth, term of office and condition of service of chairman member of the board, term of office में हमने क्या पढ़ा कि tenure कितना रहेगा, 5 years इन सब का, 5 years, and they are eligible to be reappointed also, but subject to the maximum what, subject to the maximum age of 65. Next is removal of member from office, कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को आप निकाल सकते हैं क्या, समझना अच्छे से, हमने क्या पढ़ा कि removal का ऐसा है कि अगर board को कोई वो 4 reason मिलते हैं तो 4 reason के कारण board के किसी भी member को निकाला जा सकता है, क्या, if the person is insolvent, right, second हो गया, if the person is a person of unsound mind declared by competent court, उसके बाद मान लीजिए थर्ड क्या हो गया, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, एंड फोर्थ एंड लास्ट क्या हो गया, इफ अ पर्सन हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन। इन चार चीजों के लिए किसी व्यक्ति को निकाला जा सकता है, और अदरवाइज देन दीस 4 things अगर निकालना है तो यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ 3 months और सैलरी एंड अलाउंस ऑफ 3 months। सर अगर किसी व्यक्ति को छोड़ना है तो रिजाइन करना है तो एनी पर्सन कैन रिजाइन एज वेल, बट उसको देना होगा 3 months का नोटिस। ओके, नेक्स्ट कम्स मीटिंग, मीटिंग कैसी होगी, एस प्रिस्क्राइब्ड, बस ये लिखा हुआ है, मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टेन केसेस, अगर कोई भी मेंबर इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट राइट नाउ, द पर्सन हैज टू डिस्क्लोज, द मेंबर हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एंड विल नॉट पार्टिसिपेट। वैलिड वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, अगर हमारे बोर्ड में कोई वैकेंसी आ जाती है या फिर बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट है या किसी पर्टिकुलर मेंबर के अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट है या फिर प्रोसीजर में कुछ डिफेक्ट है जो मेरिट्स को हैम्पर नहीं कर रहा है, उन सर्कमस्टेंसेस में जो भी डिसीजन सेबी ने लिए वो वैलिड होंगे, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स डिसीजन विल नॉट बी इनवैलिडेटेड। आई होप यू ऑल विथ मी यार, फर्स्ट पार्ट इज 100% सेट ऑन ऑट, ये पूरा दिलो दिमाग में बैठ चुका है, ये पूरा दिलो दिमाग में बैठ चुका है, राइट, क्लियर है यारो, ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेबी, वी डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेबी। सेकंड पार्ट जो आता है ना यारो, वो थोड़ा सा आपका ऐसा आता है मोनोटोनस, जहां पे मैंने आपको कहा था बस हिम्मत लेके पढ़ना है आपको, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ बोर्ड, कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द बोर्ड, 100% फोकस के साथ में स्क्रीन पे, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड,
यस पीपल फोकस हियर, देखो 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 ये पूरा जो यहां पे दिया हुआ है ना, ये पूरा आपका पार्ट भी है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे ना, आगे हम लोग दूसरी चीज के साथ में बढ़ेंगे, ये पूरा आपका पार्ट बी समझ लो, जिसको हम सेकंड पार्ट कहते हैं सेबी एक्ट का। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, क्या लिखा है देखो। सबसे पहले मेजर्स टू रेगुलेट सेबी, हमने किस तरह से पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि सेबी के पावर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेबी के पावर्स तीन तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले मतलब इस टॉपिक में तीन चीजें पढ़ सकते हैं हम, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी, सेकंड पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, थर्ड पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। फंक्शंस ऑफ सेबी, पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सेक्शन नंबर 11, सेकंड पार्ट ऑफ सेबी एक्ट। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, यस पीपल, चलिए फर्स्ट पार्ट सबके दिमाग में बैठ चुका है, सेक्शन में 1 से लेकर सेक्शन 8 तक। अब हम सीधा सेक्शन 11 को हिट कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 11 पार्ट्स ऑफ सेबी, बहुत ही बढ़िया, 100% फोकस यहां पे, क्या बात है। देखो यारो, सो द टॉपिक इज पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। इस टॉपिक के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहली चीज इज मेजर्स और फंक्शंस ऑफ सेबी, मेजर्स और फंक्शंस ऑफ सेबी, नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ सेबी, एंड थर्ड इज पावर ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, पावर ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, पहला क्या हो गया फंक्शंस ऑफ सेबी, दूसरा क्या हो गया पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, एंड थर्ड इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इज अ वंडरफुल एक्ट जो आपके सिलेबस में था, लेकिन आपका सिलेबस से अब निकाल दिया गया है, लेकिन ये पार्ट आपको फिर भी पढ़ना होता है, ओके। तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले पे हिट करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, देखो सबसे पहले क्या हो गया रेगुलेटिंग द बिजनेस, इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस, ये सब हमने डेप्थ में पढ़े थे। नेक्स्ट इज व्हाट रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज, और भाई साहब ये तो एक सबसे बड़ा फंक्शन है, सेक्शन नंबर 12 पूरा इसके बारे में बात करता है, दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ सेबी, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेबी टू इंश्योर कि वो सारे के सारे इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करे, रजिस्टर करे। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने इंडिया में एग्जांपल दिया था आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो ये सब एसआरओज हैं, तो इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है आपने प्रमोट करना है और रेगुलेट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर किसी भी प्रकार की फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको दिखती है, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दिखती है तो आपको उसको भी पिक करना है, उसको भी ध्यान रखना है। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, इट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ सेबी, अरे सेबी एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव भूल गए क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट, पीपीआर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, ये कभी नहीं भूलना है सेबी एक्ट के तीन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पीपीआर, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, तो उसके तहत उनको प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है ही सही। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड रेगुलेटिंग टेकओवर्स, इनसाइडर ट्रेडिंग तुझे होने ना दे, टेकओवर होगा चलेगा, बट हमारे लॉ के हिसाब से होना चाहिए, देयर इज अ रेगुलेशन टेकओवर कोड 2011, उसके हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट कंडक्टिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां जहां जरूरत लगती है तो सेबी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकती है, इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकती है। नेक्स्ट इज फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां जहां इन्फॉर्मेशन देना भी है, जहां जहां इन्फॉर्मेशन सेबी को देना भी है वहां पर सेबी इन्फॉर्मेशन देगी भी सही। नेक्स्ट इज लेविंग फीस एंड चार्जेस, उसके बाद में सेबी को जहां भी लगेगा सेबी विल लेवी फीस एंड चार्जेस, सेबी इज द राइट टू लेवी फीस एंड चार्जेस, राइट। एंड लास्ट इज कंडक्टिंग रिसर्च, के इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए जहां पे भी रिसर्च करने की आवश्यकता है वो भी सेबी करेगा, सेबी विल बी कंडक्टिंग रिसर्च। व्हाट आर ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस ऑफ सेबी। सर क्या हमारे एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है क्या, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, और हम सबको लिखना हो? नहीं बेटा जी, सीए फाइनल में इस प्रकार के क्वेश्चन की अपेक्षा ना करें, किसी एक पॉइंट पे इस प्रकार का, मैं आपको पास क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझेगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन ऐसा आपको रट के जाने की आवश्यकता नहीं है, बट पता होना चाहिए, इसको पता होने से आगे का चैप्टर समझने में आसान जाता है, राइट। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, कि सेबी एक्ट के तहत क्या क्या पावर्स दिए, 100% फोकस यहां पे। सबसे पहला पार्ट इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सेबी हैज द पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि सेबी किसी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है जब उसको जरूरत लगती है, वेरी गुड। नेक्स्ट पावर वाइल ट्राइंग अ सूट, सुनना ये इंपॉर्टेंट है, पांच पावर्स है, ये पांच पावर्स याद करके जाना, क्योंकि ये पांच पावर्स पूछी जा सकती है। देखो कैसा है, सिविल कोड को सीपीसी 1908 ने बहुत सारी पावर्स दी, सो सेबी एक्ट ने कहा है सिविल कोड के पास तो बहुत सारी पावर्स है, बट उनमें से ये पांच पावर्स सेबी के पास चाहिए, दैट सेबी विल हैव द फॉलोइंग फाइव पावर्स
एज गिवन अंडर सीपीसी लाइक अ सिविल कोड. तो सेबी के पास सिविल कोड जैसी 5 पावर्स है, तो वो यहां पे पढ़नी है हमको. उसके बाद में क्या है, पार्ट टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स. के अलावा सेबी कैन पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स व्हाट ऑल सस्पेंडेड, यानी ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना. एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया है, सेबी क्या कर सकता है, तो आपको ये एक्शंस लिखने होते हैं कि सेबी क्या कर सकता है. सेबी कैन सस्पेंड. देखो मैंने कहा ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये आपको याद रखना होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी. ये आपको याद रखना है कि 5 पावर्स ऑफ सेबी लाइक अ सिविल कोड. उसके बाद में हम देख रहे हैं सेबी टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स. मैंने आपको बताया कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलती की है, सेबी क्या कर सकता है, तो यहां पे ध्यान रखना है सेबी ये सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है. सेबी कैन ऑर्डर टू सस्पेंड द ट्रेडिंग. सेबी किसी भी कंपनी पे ऑर्डर कर सकता है कि आप अभी ट्रेडिंग से सस्पेंड किए जाते हैं. रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट. किसी व्यक्ति पे ऑर्डर कर सकता है कि अब आप सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सेस नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सत्यम, सत्यम का केस हुआ तो सेबी उसके बाद में मिस्टर राजू के ऊपर ऑर्डर पास कर सकता है, मिस्टर राजू यू विल नॉट एक्सेस सिक्योरिटीज मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. हर्षद मेहता सेम इन लोगों के ऊपर. सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर. सेबी को लगता है कि हमारे ऑफिस बेरर भी इन्वॉल्व थे, सेबी के ऑफिस बेरर, सेबी के ऑफिसर, सेबी के एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व थे, तो उन्हें भी निकाल सकता है, सस्पेंड तो कर ही सकता है. Impound and retain proceeds of securities pending investigation. कि जब भी किसी भी securities पे investigation चल रही है तो उन securities को impound करके रख सकता है कि जब तक investigation चल रही है ये securities हमारे कब्जे में रहेगी. Impound the securities pending investigation. Attach bank account or property for not exceeding 90 days. कि जब भी लगता है तो आपके bank account और properties को भी attach किया जा सकता है कि हमें लगता है कि इसके ऊपर हमें close watch रखनी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी इधर उधर बेच देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके बैंक बैलेंस है, इन सबको हम सीज कर सकते हैं. जिन लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम देखा उनको ये इमेजिन करना बहुत आसान जा रहा होगा कि जैसे ही पकड़ में आए अब केस तो चलेगा, कोर्ट जजमेंट देगा, बट जब तक कोर्ट जजमेंट देता है तब तक के लिए क्या किया जाएगा, अप टिल देन द अकाउंट्स माइट बी फ्रीज्ड इफ सेबी फील्स इट नेसेसरी. नेक्स्ट, नॉट टू डिस्पोज और एलिनेट एनी एसेट. उसको ऑर्डर पास कर दिया जाएगा दैट यू कैन नॉट डिस्पोज और एलिनेट एनी ऑफ योर एसेट्स. ये नहीं कि भाई अब आप पे केस चल रहा है तो आपने बहुत सारा पैसा कमाया था, उड़ा दो सारा पैसा उड़ा दो. नहीं बड़ी, इट डजंट वर्क दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे. यू आर अनएबल, यू आर नॉट अलाउड टू सेल ऑफ एनी असेट्स और एंजॉय द प्रॉपर्टी एट टाइम्स इफ सेबी डीम्स इट नेसेसरी. तो ये सब क्या है, ये सब वो एक्शन है जो सेबी ऑर्डर कर सकता है, सेबी ले सकता है इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट. ध्यान रखना, अभी भी कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 2. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आया ना कि यार ये एक व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया, सेबी क्या कर सकता है इसके अगेंस्ट, सेबी पहले 2 चीजें तो फोड़ सकता है, सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, ये तो कर ही सकता है उसके लिए. फिर से भी अपने ऑफिस बेरर्स को निकाल सकता है, इंपाउंड कर सकता है सिक्योरिटीज को, अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट, नॉट टू डिस्पोज ऑफ एलिनेट, ये ऑर्डर पास कर सकता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 थिंग्स, कि क्या करेगा, उसको बोल देगा सेबी क्या कि आप ट्रेडिंग करने से प्रिवेंट. हर्षद मेहता स्कैम पकड़ में आया, उसके बाद में ऑर्डर कर दिया गया कि आप इतने इतने साल तक सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सेस नहीं कर सकते, आई बी अंडरस्टैंडिंग. और साथ ही साथ रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एसेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट के साथ ही साथ ऊपर वाला पॉइंट सस्पेंड द ट्रेडिंग. So these were powers of SEBI given under SEBI Act. And the last one is powers of SEBI given under SCRA Act. Securities Contract Regulation Act में जो SEBI के powers दिए हैं. देखते हैं यार. Power to call for periodical written or direct inquiries. कभी भी अगर SEBI को लगता है तो SEBI can call for periodical written के हर एक. SEBI ने ऐसा order बना दिया है कि आप सबको periodical return देने होते हैं. Next, direct inquiry. कि आपके किस inquiries भी direct की जा सकती है. Sub point क्या इसमें? Power to inspect है. कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है. अपॉइंट पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी है. प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स है. तो ये सारी चीजें यहां पर कवर होती है, सारी चीजें यहां पर कवर होती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पार्ट टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. भाई साहब एससीआरए, जिन बच्चों को मतलब हमने रेगुलर बैच में डिस्कशन किया था इसके ऊपर बेसिक, और अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, एससीआरए इज अ वंडरफुल लॉ 1956 का. अभी क्या हो गया, एससीआरए मोर ऑर लेस रिडंडेंट हो चुका है, राइट. इस कारण से आईसीएआई ने उसको सिलेबस से हटा दिया, बट एससीआरए से बहुत कुछ सीखने लायक है. 1956 के पहले क्या हो रहा था, 1956 के पहले द सिचुएशन वाज दैट पीपल वर स्टार्टिंग देयर ओन स्टॉक एक्सचेंजेस. कोई भी व्यक्ति अपना स्टॉक एक्सचेंज चला रहा था, कोई भी व्यक्ति उठा सुटा कोई भी अपना स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट कर रहा था. देयर वाज नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड दैट इज व्हाई 1956 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि अब हर कोई व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलाएगा, आपको सरकार की परमिशन लेगी, सरकार थोड़े डायरेक्टर्स वहां पर अपॉइंट करेंगे, सरकार पूरा कंट्रोल रखेंगे और फ्री स्टॉक एक्सचेंज चलेगा. तो ये एससीआरए से हुआ था. ओके, तो एससीआरए ने पूरा कंट्रोल रखा है स्टॉक एक्सचेंज पे. तो जो भी पावर्स ऑफ एससीआरए दिख रही है, राइट, वो सब, वो जो पावर्स दिख रही है एससीआरए की, वो सब की सब क्या है, रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज. तो एससीआरए ने कहा है कि सेबी इज द पावर टू अप्रूव बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, व्हाट,
पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि वो अगर बायलॉज बनाते हैं, मैं सेबी हूं, कोई स्टॉक एक्सचेंज अगर उसका बायलॉ बना रहा है तो उसको अप्रूव भी मैं करूंगा, और मैं चाहूं तो उसके बायलॉ को बना भी सकता हूं और ऑल्टर भी कर सकता हूं। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट इन सर्टेन केसेस, के कुछ एरिया ऐसा था एससीआरए में कि यहां यहां पे ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, तो उसको छोड़ के कहीं पे भी लाइसेंसेस इशू कर सकते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, यू आर अलाउड टू ट्रेड। एंड लास्ट इज पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट यहां पर भी लिखा है कि सेबी विल मेक रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जिसके तहत सेबी ने आईसीडीआर रेगुलेशन बनाया है, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। नेक्स्ट इज पावर टू डेलीगेट, के इसी के अंदर लिखा हुआ है कि पावर टू डेलीगेट भी है, और मेनली इसमें क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू डेलीगेट। अब बहुत बारीक सी बात है, अननेसेसरी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट मैं बताने की कोशिश करता हूं जिनको समझता है, इट्स वंडरफुल। एससीआरए आया था 1956 में, एससीआरए 1956, सेबी एक्ट आया था 1992 में, सेबी एक्ट 1992, सो ऑब्वियस सी बात है कि जब एससीआरए आया होगा तब सेबी एक्ट नहीं होगा, तो उसके अंदर तब एससीआरए में सारे पावर्स किसके पास थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक तो सेबी था ही नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब 1992 में सेबी आया उसके बाद में ऑल्टर किया गया, अमेंड किया गया एससीआरए को, और उसके अंदर जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स थी, सब्सटेंशियल पावर डेलीगेट कर दी गई सेबी को, बट कुछ पावर्स रखी गई, और यहां पे लास्ट में पार्ट ऑफ डेलीगेट भी यही लिखा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पावर, कि जो भी उसके पास में पावर है अंडर एससीआरए वो सेबी को फर्दर भी डेलीगेट कर सकता है। ऐसा 100% फोकस, सुना है, मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी एक्ट को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, दूसरे हिस्से पे, दूसरा हिस्सा बस ये चार्ट है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, 100% फोकस यहां पे, राइट। तो इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा, पहले फंक्शंस ऑफ सेबी, पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपकी परीक्षा के लिए एक तो ये रेलेवेंट है कि एज अ सिविल कोर्ट सेबी के पास क्या पावर्स है, और दूसरा ये रेलेवेंट है कि सेबी क्या क्या एक्शंस पास कर सकता है। ये कुछ चीजें रेलेवेंट है, 100% फोकस इस पर रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या सिविल कोर्ट जैसी पावर सेबी ने अपने हाथ में रखी है, 100% फोकस यहां पे। सेबी हैज केप्ट अ लॉट ऑफ पावर्स ऑफ कोर्स, बट सेबी हैज केप्ट द फॉलोइंग 5 पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट, 100% यहां पे। ये 5 पावर्स सिविल कोर्ट के पास होती है, राइट, और सेबी ने ये 5 पावर्स सेबी एक्ट में ली है फ्रॉम सीपीसी लाइक अ सिविल कोर्ट। व्हाट आर द 5 पावर्स, एकदम आराम से। सबसे पहला, SEBI can order the production and discovery of any documents. SEBI को कोई भी document चाहिए तो SEBI order कर सकता है that please produce this document. So SEBI can order the production and discovery of any document. Production and discovery of any documents, books of accounts. किसी का भी order करता है, ये books लेकर आओ ये. तो SEBI has the power like a civil court to order production and discovery of any document. Second, SEBI can summon any person. SEBI किसी भी व्यक्ति को summon कर सकता है कि आपको आना ही होगा. SEBI can summon any person. SEBI can summon any person, easy हो गया, summon any person and examine him on oath, summon any person and examine him on oath, ठीक है। तो ये दो बेसिक पावर्स हो गए SEBI के, क्या देखा हमने, दो बेसिक पावर SEBI के। सबसे पहली पावर SEBI की क्या हो गई, सबसे पहली पावर SEBI की है टू ऑर्डर इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लियर है। सेकेंड, टू समन एनी पर्सन, फोकस करना 100%, यहां पे सब लोग, यस, हम रेगुलर नोट्स पे टच करते हैं, यस पीपल, फोकस है, फोकस है, फोकस है। ये पांचों पावर्स आपके दिलो दिमाग में बैठी होनी चाहिए, यस, यहां पर है हम लोग, समझना, ये 5 पावर्स हैं। सबसे पहली पावर क्या है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। दूसरी पावर क्या है, summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath. ये एक ही पावर है, ठीक है। तो पहला क्या है कि सेबी, आप समझो सेबी बन गया स्पाइडरमैन, सेबी बन गया स्पाइडरमैन, रुको रुको संभालो अपने आपको। सेबी जब चाहे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुला सकता है, ऑर्डर द प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेबी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, तुम भी आ जाओ। सेबी कैन ऑर्डर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेबी कैन ऑर्डर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेबी कैन ऑर्डर summoning and enforcing the attendance of any person, examine him on oath. Next, SEBI can order inspection of any books and registers of any person listed under section 12. Section 12 talks about intermediaries. Section 12 talks about intermediaries. So SEBI can order inspection of what? SEBI can order inspection of any person listed under section 12. Matlab SEBI can order inspection of any intermediary. Next, SEBI can also order inspection of any listed company or a company intends to be listed.
So, दो नेक्स्ट पावर क्या है इंस्पेक्शन के, सेबी इज अ पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12 एंड सेबी इज अ पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी एज वेल एज एनी कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड एंड लास्ट क्या है सेबी इज अ पावर टू इशू कमीशंस, सेबी इज अ पावर टू इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। ये पांच पावर्स ना वो एकदम हटके है, व्हाई, बिकॉज ये सेबी एक्ट के अंदर आपके नॉर्मल लैंग्वेज से मैच ही नहीं होती है, बिकॉज ये कॉपी पेस्ट की गई है सिविल प्रोसीजर कोड से, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से कॉपी की है। तो सेबी हैज द फॉलोइंग फाइव पावर्स लाइक अ सिविल कोड, लाइक अ सिविल कोड अंडर सीपीसी, राइट। व्हाट आर द फाइव पावर्स? पहला, ऑर्डर द प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, समन एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ। थर्ड, इन ऑर्डर इंस्पेक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन रिफर्ड अंडर सेक्शन 12, ऑर्डर इंस्पेक्शन अंडर अगेंस्ट एनी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी व्हिच इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, एंड लास्ट, इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। ये पांच पावर सेबी के पास, और इसके साथ यारों ये चार्ट आपका पूरा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करता है, द सेकंड पार्ट ऑफ सेबी। ये एग्जाम लुकआउट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ जो बीच का मिडिल पार्ट है मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लाइटर नोट पे रहता है। व्हाट हैव वी डन? वी हैव कंप्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ सेबी एंड वी आर येट टू कंप्लीट फोर पार्ट्स ऑफ सेबी। सेबी को हमने छह पार्ट में डिवाइड किया था, 100% फोकस मुझे सबका यहीं पे चाहिए। सेबी को हमने छह पार्ट में डिवाइड किया था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आई गेस सबके दिमाग में यहां पे फर्स्ट पार्ट बैठा हुआ है, फोकस यहां पे क्या, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, क्लियर है। 30th of January 1992 सेबी एक्ट के लिए तीन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 1988 भी इंपॉर्टेंट है, 1992 भी इंपॉर्टेंट है एंड 1995 भी इंपॉर्टेंट है। 88 में क्या होता है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, एस्टेब्लिश हो गया था सेबी, लेकिन उसको लीगल जो बैकिंग है, लॉ उसका जो पास हुआ वो 1992 में पास हुआ, और 1995 में अमेंडमेंट के थ्रू उसको बहुत सारे पावर्स दिए गए थे, उसको बहुत सारे पावर्स दिए गए थे, क्लियर बेटा जी। तो ये तीन ईयर उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में हमने ये पूरा कंप्लीट किया, इजी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एक ही सेक्शन है क्योंकि बहुत बड़ा था, तो इसी को हमने पढ़ा, फंक्शंस ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ बोर्ड। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ सेबी, ठीक है बेटा जी। आशा करता हूं कि आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट एकदम दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं, एंड नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ सेबी। यस वी विल, यस राइट। चलिए थर्ड पार्ट ऑफ सेबी, हा यस पीपल, ये हमारा 11A से शुरू होता है और इसमें बहुत कुछ छोटे 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 चीजें हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट तक जाते हैं, तो बहुत इजी है, कोई बहुत, ये वाला पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर पेनल्टी आती है वो भी डिफिकल्ट नहीं है, सैट जब आएगा ना डिफिकल्ट नहीं है, बट वो काफी इंटरेस्टिंग और वो काफी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर दीवाना है सैट का, ठीक है। चलिए, सो सेक्शन 11A क्या कहता है, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। के बोर्ड क्या कर सकता है, रेगुलेट या प्रोहिबिट कर सकता है, बोर्ड क्या कर सकता है, रेगुलेट या प्रोहिबिट कर सकता है द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट। देखना इधर 11A, ओके आगे आएगा, फोकस किया। सो बोर्ड क्या कर सकता है कि बोर्ड रेगुलेट कर सकता है और प्रोहिबिट भी कर सकता है, बोर्ड कैन रेगुलेट एज वेल एज प्रोहिबिट व्हाट इश्यू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट और एनी प्रोस्पेक्टस। समझना अच्छे से, अगर बोर्ड को रेगुलेट करना तो बाय सिंपल रेगुलेशन से बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड बाय रेगुलेशन कैन गिव मैटर्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, के कैसे कैसे प्रकार से आपकी सिक्योरिटीज ट्रांसफर होंगी वगैरह कह सकता है, और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर से बोर्ड प्रोहिबिट कर सकता है एनी कंपनी को फ्रॉम इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस एनी ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक और पब्लिक इश्यू। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बोर्ड हैज द पावर अंडर सेक्शन 11A, बोर्ड हैज द पावर टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट। तो बोर्ड रेगुलेशन इश्यू करके रेगुलेट कर सकता है किस प्रकार से सिक्योरिटीज में ट्रांसफर होगा, या फिर बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर बोर्ड क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कि आपकी कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, या फिर बोर्ड चाहे तो कंडीशंस लगा सकता है कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप इशू कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पे बोर्ड के पास और रेगुलेशन इशू करके रेगुलेट तो कर ही सकता है, जिसके आईसीडीआर इशू किया उन्होंने, आईसीडीआर इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, उन्होंने क्या किया है उसके थ्रू वो इशू करके उन्होंने रेगुलेट किया है। लेकिन अगर बोर्ड को लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को तो हम ऑफर डॉक्यूमेंट इशू ही नहीं करने देंगे, तो बोर्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर, बोर्ड एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करके कह सकता है कि आप भैया जी आप तो सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, आप जो है ना आप प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इशू ही नहीं कर सकते। सो बोर्ड हैज अ पार्ट टू डू दैट, 11A। नेक्स्ट इज व्हाट, 11B, 11B सिंपल, पार्ट टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। अगर बोर्ड को कभी भी लगता है ऐसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर
to prevent the affairs of any intermediary detrimental in any fashion which will result in detrimental to the interest of investor to secure proper management. Is case mein SEBI has a power to issue directions and levy penalty in the interest of investor, or they feel that to prevent the affairs of the intermediary to be working, to be functioning in a manner detrimental to the interest of investor. कि हमें ऐसा लगता है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो जिस तरह से फंक्शन करेंगे दैट विल बी वेरी नुकसानदेह, दैट विल वेरी डिसएडवांटेजियस टू द इन्वेस्टर्स. तो उस केस में भी डायरेक्शन इश्यू कर सकता है, पेनल्टी लेवी कर सकता है. एंड द लास्ट वन इज टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, कि सेबी सिक्योर करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट. सेबी कैन डू समथिंग टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट. डू वॉट? टू इश्यू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी. ओके, दैट इज 11B. ठीक है, उसके बाद में ठीक है 11B चल रहा है. 11AA, CIS को एकदम सेपरेटली लगते हैं. CIS का इन आसपास के सेक्शन से कोई रिश्ता नाता नहीं, इसको हम सेपरेटली रख के देखेंगे. ठीक है ना, 11A. उसके बाद में आ रहा है हमारा, ये पूरा CIS ही चल रहा है. एंड यहां पे इन्वेस्टिगेशन, फोकस करना अच्छे से क्या लिखा है. 11C बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है. 11C बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर भी दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसे होगा. फोकस करना अच्छे से. Grounds for issue of order of investigation, कि आखिर investigation कब order किया जा सकता है. Transaction and securities are being dealt in a manner detrimental to the interest of investor, कि transaction कैसे हो रहे हैं detrimental to the interest of investor, या फिर they have violated any provision of the act. Investigation दो order में होगा. क्या? If the transaction and securities market is functioning in such a fashion that it is detrimental to the interest of investor, it is detrimental to the interest of investor, या फिर second they have violated any securities market. अगर उन्होंने they have violated any provision of securities market, if they have violated any provision of securities market, of course तब भी investigation होगा. ठीक है. क्या? फर्निशिंग ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, कि कंपनी का जो भी मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एवरी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस, ये सब लोग क्या करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को प्रोड्यूस करेंगे डॉक्यूमेंट्स. कंपनी के सारे लोग हो गए, उसके अलावा जिसके पास भी अथॉरिटी के पास में भी डॉक्यूमेंट्स है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जब भी मांगेगी वो लोग सब डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे. नथिंग बे पीरियड ऑफ कस्टडी, सुनना कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं ये आप कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं. ये आप रख सकते हैं फॉर पीरियड अप टू 6 months. जैसे ही 6 months ही आपका नीड खत्म हो जाता है, उसके बाद में आपको पूरे के पूरे क्या कर देने हैं, रिटर्न कर देने हैं. ओके, एंड देयर आफ्टर अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो वापस भी मंगवा सकते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप कितने समय के लिए रख सकते हैं, ओनली फॉर 6 months. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑन ओथ. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि अगर हमें लगता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, तो वो किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ, हमारे एम्प्लॉय वगैरह को, इन सबको, और एनी पर्सन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट. ऑन फेलियर, सुना अगर कभी भी लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, क्या कर सकते हैं, सुनना. इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज और रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस बुक्स, फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, अपियर बिफोर द अथॉरिटी, साइन नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, पर्सन शैल बी पर्सनली पनिशेबल. मैं कह रहा हूं बाकी सब पेनल्टी छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, ही विल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट which may extend to 1 year, fine which may extend to 10 crore or with 1 crore or with both, also the further fine which may extend to 5 lakh for every day after first during which the failure or refusal continues. तो इन्होंने हमारे लिए समझने की बात क्या है कि investigation के अंदर उन्होंने अपना ही एक punishment दे रखा है. हमने रेगुलर तरीके से पनिशमेंट देखा था. देन नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, कि जो भी नोट्स ऑफ राइटिंग आपने लिए वो सब आप एग्जामिनेशन के बारे में यूज करोगे. यू कैन आस्क एनी पर्सन टू साइन इट अप. आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हो कि जो जो आप कह रहे हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू साइन इट अप, नॉट अ बिग डील. इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि अगर हमें लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इंपाउंड करना है, हमारी कस्टडी में रखना है, वो भी हम रख सकते हैं. और अगर मान लीजिए आपको सर्च एंड सीजर करके इंपाउंड करना है, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए. तो आपको जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, उसके बाद आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं. रुक जाओ, नेक्स्ट, डिमांड ऑफ सर्विस ऑफ अदर ऑफिसर. अगर कभी भी हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत चाहिए, जैसे कि हमें जाना है सर्च एंड सीजर को, हमें पुलिस की जरूरत है, तो वो ले सकता है. तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एनी पुलिस ऑफिसर, तो बिल्कुल ही उनकी मदद ले सकते हैं. ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कभी भी अगर आपको सर्च एंड सीजर करना है, घुस जाना है किसी भी जगह पे, तो आपको कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है. ठीक है, सो टू एंटर विद सच असिस्टेंस इज मे बी रिक्वायर्ड व्हेयर सच बुक्स आर केप्ट, टू सर्च दैट प्लेस एंड टू सीज द बुक्स, दे कैन डू सो आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट. कोर्ट का ऑर्डर है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. दैट यू कैन ब्रेक इन एनी प्लेस, सर्च द बुक्स एंड देन सीज द बुक्स.
इंपाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ हमारा जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, उनके पास ही रहेंगे जब तक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, शैल रिटर्न सेम टू द कंपनी एंड इन्फॉर्म मैजिस्ट्रेट, कि हम इन्फॉर्म कंपनी को वापस दे देंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद में, और मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म भी कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस करो यहाँ पे। नेक्स्ट, सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग, ये अच्छा 100% फोकस, और ये भी एग्जामिनर को पसंद है। सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग, पहले तो होता क्या है वो यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कब ऑर्डर करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग इज समथिंग कि कभी भी अगर सेबी को ऐसा लग रहा है कि कोई भी एंटिटी जो है ना, उसने कोई लॉ वॉयलेट किया है या फिर इज अबाउट टू वॉयलेट द लॉ, इफ सेबी फील्स दैट एनी एंटिटी और एनी पर्सन इन सिक्योरिटीज मार्केट हैज वॉयलेटेड द लॉ और इज अबाउट टू वॉयलेट द लॉ, has violated the law or has we have reasonable ground to believe that they are about to violate the law, then SEBI can order a cease and desist proceeding, कि जो आप कर रहे हो वो रुक जाओ और वो आप नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने, कोई भी एक्टिविटी के पहले अगर आपके अगेंस्ट SEBI ने cease and desist proceeding कर दिया है, मतलब आप वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो cease and desist proceeding is an order passed by SEBI to stop any entity or any person from doing any act. When can SEBI order this? This is important. यही आपके सिलेबस में, if any entity or any person has violated any law or about to violate any law, focus करना. If SEBI after an inquiry feels that a person has violated or is likely to violate, if a person has violated or likely to violate, in that case cease and desist order is passed. एक बात बहुत अच्छी समझना अच्छे से, ठीक है? हाँ, ये ठीक है, सुनना। कभी भी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट सीस एंड डिसिस्ट ऑर्डर नहीं पास होगा अनलेस सेबी हैज अ ग्राउंड टू बिलीव कि वहां पे या तो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेबी कभी भी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट सीस एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता अनलेस SEBI has a ground to believe कि यहां पे या तो insider trading हुआ है या market manipulation हुआ है। अगर insider trading या market manipulation हुआ है तो ही cease and desist order pass किया जा सकता है, otherwise नहीं। रुक जाओ, focus करना, फिर section 12 आ जाएगा। रुको बेटा जी, पहले हम लोग वापस जाते हैं यहां पे, ठीक है? अभी तक कहां पे लड़ रहे थे? अभी तक यहीं पे लड़ रहे हैं। 100% फोकस यहां पे, देखो बेयर एक्ट फोकस यहां पे, इससे आपको एक सूदिंग फील मिलेगा। ठीक है, वहां पे कंटेंट भरा 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 है, इससे आपको एक सूदिंग फील मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन अ माइंड स्टोर्स इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ना, सो इट स्टेज इन अ माइंड फॉर अ लॉन्गर टर्म। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, देखो हम क्या पढ़ रहे थे। देयर आफ्टर 11A बोर्ड टू, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड चल रहा है, थर्ड चार्ट चल रहा है। बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट। तो बोर्ड को अगर कभी भी लगता है, जो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे कि हमें लगता है कि टू स्टॉप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द इंटरमीडिएट टू एक्ट इन अ मैनर डेट्रीमेंटल, राइट, हमें लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ये, तो बोर्ड के जो रीजनेबल ग्राउंड है उनमें से बोर्ड को कभी भी लगता है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। खैर, हमने यहां पर मेनली तो क्या पढ़ा था कि रेगुलेट भी कर सकते हैं और प्रोहिबिट भी कर सकता है। हमने मेनली तो यहां पर पढ़ा था रेगुलेट भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है। रेगुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइन दे सकता है, प्रोहिबिट करने के लिए जनरली स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है कि ये कंपनी इश्यू नहीं कर सकती ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट, और साथ में कंडीशंस भी दे सकता है कि अगर इश्यू करेगी तो इस कंडीशन से कंप्लाई करने के बाद ही करेगी। क्लियर? नेक्स्ट, सीआईएस तो हमने नहीं पढ़ा अभी, पावर टू इशू डायरेक्शन, यहां पे हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्राउंड, यहां पे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्राउंड कि इनमें से कोई भी ग्राउंड टच किया तो सेबी हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन, यहां पे हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि दो केस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं, इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन, कोई वैसा ट्रांजैक्शन है जिससे कि विच इज एज इन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऐसा समझ लो, एंड इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन इफ दे हैव वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसीजर पूरा दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, बुक्स आपने ले ली तो 6 months तक आपको देना है, फिर अगर आपको सर्च एंड सीजर करना है तो आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये प्रोसीजर होगा, और वहां पर जो सर्च और सीजर में आपने इंपाउंड किए वो आप अपने पास रख सकते हो, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है? नेक्स्ट इज सीज एंड डिसिस प्रोसीडिंग, सिंपल चीज। सेबी को अगर कभी भी लगता है, फोकस 100%, सेबी को अगर कभी भी लगता है दैट समवन हैज वॉयलेटेड द प्रोविजन और इज अबाउट टू वॉयलेट द प्रोविजन, तो सेबी कैन ऑर्डर सीज एंड डिसिस प्रोसीडिंग। बट यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट सीज एंड डिसिस प्रोसीडिंग कभी भी इशू करना है सिर्फ उस केस में हो सकता है व्हेन द कंपनी हैज वो डन इधर इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। इफ सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन किया, सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डर किया जा सकता है क्या सीज एंड डिसिस प्रोसीडिंग। नेक्स्ट, रुकना,
रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर शेयर ट्रांसफर एजेंट कुछ नहीं है सेक्शन 12 पढ़ना ही नहीं है। सेक्शन 12 क्या कहता है, आप कोई भी इंटरमीडियरी है सिक्योरिटीज मार्केट में, सेक्शन 12 सेज इफ यू आर एनी इंटरमीडियरी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनी इंटरमीडियरी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, यू आर अंडरराइटर, यू आर शेयर ट्रांसफर एजेंट, यू आर ब्रोकर, यू आर म्यूचुअल फंड, यू आर एनीवन, मर्चेंट बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, आप कोई भी इंटरमीडियरी अगर सिक्योरिटीज मार्केट के, यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर, यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ विद सेबी, अपना फीस पे करो, जो भी रिक्वायर्ड है आपका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो होगा कंप्लाई करो, सब कुछ कंप्लाई करो, ओनली देन यू कैन फंक्शन, ओनली देन यू कैन फंक्शन। और इसके बहुत बेसिक लॉजिक है, लॉजिक ऐसा है कि देखो इंडिया में जनता है ऐसी कि इंडिया में जनता इन्वेस्टर से ना बिना सोचे समझे लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, दे आर नॉट इवन अवेयर कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, बट फिर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। आधी जनता को इंडिया में लगता है कि स्टरलाइट टेक जो बहुत पॉपुलर कंपनी है, अरे फाइबर केबल बनाती है, फाइबर केबल बनाती है, अरे बेटा जी स्टरलाइट टेक मतलब व्हेन यू सी, जब आप ऐसे फोरम्स में देखिए ना, अरे फाइबर केबल बनाती है, इंडिया में 5G आने वाला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनका बिजनेस पहले पूरा फाइबर केबल का था, दे हैव सब्सटेंशियली शिफ्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम फाइबर केबल टू नाउ दे गिव दिस सर्विसेज, कि वो जो भी सर्विसेज देनी होती है वो सर्विसेज देने बिजनेस कर रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं, उनका फ्यूचर फिर भी बहुत ब्राइट है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल बीइंग अनअवेयर अबाउट द बिजनेस स्टिल इन्वेस्ट इन द बिजनेस। व्हाई दे डू सो बिकॉज दे हैव अटमोस्ट फेथ इन लिस्टेड कंपनीज कि लिस्टेड है ना मतलब कुछ फ्रॉड तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेबी बैठा है, तो सेबी ध्यान रखता है कि भाई यहां पे जितने भी इंटरमीडियरीज काम करेंगे सब मेरी परमिशन से काम करेंगे, मेरे रजिस्ट्रेशन के बाद काम करेंगे, कोई नया व्यक्ति आना नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर यहां पे कोई भी फ्रॉड होता है तो वो मेरे ऊपर है, इट इज ऑन माय वॉच, आई हैव टू इंश्योर। सो दैट इज व्हाई जो भी इंटरमीडिएट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी, दैट्स व्हाट सेक्शन 12 सेज इन इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज 12A प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल। सेक्शन 12A सिंपली सेज कि किसी भी प्रकार का मैनिपुलेटिव एक्शन आपको नहीं करना है, डिसेप्टिव डिवाइस आपको इंस्टॉल नहीं करना है, जिसके कारण हमारे यहां पे शेयर मार्केट के अंदर अच्छे से फंक्शन नहीं हो। मैंने आपको एनएससी का डार्क फाइबर केस के बारे में बताया था, फिर रिमेंबर कि उसके अंदर क्या कहते हैं, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था जो कि अनऑथराइज था, वो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को थोड़ा सा फास्ट एक्सेस दे रहा था, तो वहां पे भी इट वॉज पेनलाइज, राइट। तो ये सब अलाउड नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज अलाउड नहीं है, दिस इज 12A। नेक्स्ट इज 13, 14 एंड 15। 13 ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट जो ग्रांट अलॉट करता है सभी के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को देता है ग्रांट बाय सभी, तो सभी पार्लियामेंट के ग्रांट अलॉट करने के बाद, बजट अलॉट करने के बाद वो अमाउंट देता है सभी को, तो सभी गेट्स ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज फंड, तो सभी का एक फंड है जिसके अंदर कहां से पैसा आता है, तो इस फंड के अंदर दो चीजें बतानी चाहिए, इसका सोर्स ऑफ फंड और ये फंड से फाइनली कहां पे पैसा खर्च होता है। तो सोर्स ऑफ फंड तो सिंपल ही है भाई बेटा जी, ग्रांट, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो, फिर आप जो पेनल्टीज लेवी करते हैं वो, या फिर जो भी आप चार्जेस जनता से फीस वगैरह लेते हैं लोगों से, वो सब इसकी इनकम है सेबी के फंड्स यहां से। खर्च कहां होते हैं, तो खर्च कहां होते हैं यारों, सबसे पहला तो फॉर द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, सेबी का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है इन सब के लिए जाता है। उसके अलावा सेबी के जो भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए, अपने पार्ट्स एंड फंक्शन जो 11 में दिए रखे थे उनको एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए सेबी को जब भी पैसा लगता है पैसा यहीं से मिलेगा, क्लियर है। और सेबी के अंदर जो भी ऑफिसर्स मेंबर्स चेयरपर्सन काम कर रहे हैं उनके सैलरी अलाउंसेस कहां से पे होंगे, तो वो यहीं से पे होंगे। तो ये फंड्स के कुछ सोर्सेस एंड ये कुछ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो देयर इज नथिंग बिग हियर, इट सिंपली सेज हियर अकाउंट्स एंड ऑडिट, सेबी हैज टू मैंडेटरीली कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच विल बी ऑडिटेड बाय सीएजी। सीएजी ऑडिट करेगा या तो खुद या फिर किसी को अपॉइंट करेगा, सीएजी जनरली खुद और जैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है वैसे, तो सीएजी इज गोइंग टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेबी एंड देयर आफ्टर दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। सो दैट इज अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ सेबी। डोंट यू फील दैट द एक्ट इज सुपर इजी, टेल मी डोंट यू फील द एक्ट इज सुपर इजी। आप यहां से देखो कैसा होता है यार, सब कुछ देखते तो अलग है लेकिन जब आप एक्ट बेयर एक्ट देखोगे तो बहुत आसान रहेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑफकोर्स आप अपने कंटेंट इंस्टीट्यूट का नोट्स मॉड्यूल जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये बेयर एक्ट के इनिशियल कुछ पेजेस को लेकर रख लो, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से जब चाहे रिवाइज कर पाएंगे, बिकॉज द बेयर एक्ट हैज एन इंडेक्स इनिशियली फॉर सेबी एक्ट एंड दैट्स सुप्रीमली बेनिफिशियल, राइट पीपल। I hope you're all with me. So then we'll go ahead with the fourth part of SEBI Act, that is penalties and adjudication. Are you all with me? Just tell me yes. Just say me yes. बोलो यारों, बोलते क्यों नहीं?
आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? देन वी विल स्टार्ट. कंटिन्यू करें आगे आ रहा हूं. कंटिन्यू करें या फिर नहीं? नहीं सर सर ये तो बहुत हैवी जा रहा है, बहुत ही हैवी जा रहा है. नहीं लाइट एकदम मस्ती में आई. सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन इन द सेम फैशन. वी आर डन विद थ्री. वी आर हिटिंग द फोर्थ वन, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन. 100% फोकस यहां पे. पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट. चार हो जाएंगे, फिर सिर्फ दो बचेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ. एकदम हिम्मत से काम लो. फोर्थ, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, सेक्शन 15 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे करके 15 जेबी तक जाना है. तो 15 ए से 15 जेबी तक जाना है. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. 15 ए से 15 जेबी तक जाना है. बने रहो यहां पे. क्या बात है? देखो यारों, पूरे की पूरी आपकी पेनल्टीज मैंने यहां पे आपको लिखवा के दी है. पूरी पेनल्टीज आपके पास यहां पर है. 100% फोकस है. 100% फोकस है. फोकस करना है अच्छे से, ठीक है. द फर्स्ट पेनल्टी, द फर्स्ट पेनल्टी, पेनल्टी, आई होप यू आर एबल टू रीड. पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न. पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न, क्या है उसकी पेनल्टी? क्या है उसकी पेनल्टी? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 crore. मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू हाउ मच? 1 crore. 1 crore से ज्यादा नहीं, अप टू 1 crore. दैट इज द पेनल्टी इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न. इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न. सेकंड, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट विद क्लाइंट. पेनल्टी, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट. क्या है पेनल्टी? सेम, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पड़े. अरे आपको समझ में आ रहा है यारों? ई तक, ए बी सी डी ई, रुको, यहां तक ई तक आपकी पेनल्टी सेम है. क्या? पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न. अगर आपने इंफॉर्मेशन और रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं किए, फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट. हर एक व्यक्ति पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रोकर्स वगैरह पे, कि उसे क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट करके काम करना है. अगर अग्रीमेंट नहीं किया तो लगेगी पेनल्टी. फेलियर टू रेड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना होता है, आपने नहीं किया, पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी फॉर सनियल डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, बहुत सारे डिफॉल्ट दिए, सबकी पेनल्टी सेम है. म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो आपकी पेनल्टी लगेगी. एंड पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनमें से कुछ भी किया तो पेनल्टी इज द सेम. असेट मैनेजमेंट कंपनी का भी अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी इज द सेम. व्हाट इज द पेनल्टी? मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 1 lakh पर डे अप टू 1 crore. क्लियर है हम लोग? फिर आती है कुछ और पेनल्टी. क्या? पेनल्टी फॉर, देखो स्टार मार्क किया है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ एआईएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ एआईएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इन तीनों में से नाम याद रखना. एआईएफ, रीड, रीड इतना पॉपुलर हो रहा इंडिया में ऑलरेडी, रीड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसमें कहीं भी पेनल्टी हुई तो क्या लगेगा? सुनना, मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 1 lakh पर डे अप टू 1 crore. यहां तक ठीक था. और 3 times of profit made, whichever is higher. सुनना क्यों? यहां पे क्या है? अगर आपने AIF, infrastructure investment trust या real estate investment trust में कोई भी default किया, मतलब generally आप fraud करते हैं, public का पैसा involve हो जाता है यहां पे. तो आपने यहां पे 25-30 करोड़ का fraud कर लिया, ठीक है? और आपके ऊपर penalty up to 1 crore है, तो गलत हो जाएगा ना? तो इसलिए यहां पे अप टू जो मैक्सिमम पेनल्टी को बढ़ाया गया. देखो मिनिमम पेनल्टी 1 lakh है, मैक्सिमम में दो चीजें दे दी, 1 lakh पर डे अप टू 1 crore. इससे ए अमाउंट आ जाएगा, बी अमाउंट क्या आएगा? 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड. 3 times of profit made, whichever is higher, this will be the maximum penalty. I'll repeat again. क्या दिया है यहाँ पे? AIF, REIT और infrastructure investment trust में अगर आपने कोई भी default किया, तो minimum is 1 lakh. Maximum में दो आएंगे, A और B. A is 1 lakh per day up to 1 crore. B is 3 times of profit made. A और B में से whichever is higher, this will be the maximum amount of penalty. इसके बाद में आते हैं same वापस, penalty for default in case of investment advice and research analysis. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस के अंदर डिफॉल्ट किया, वापस सेम आएगा, मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 1 lakh पर डे अप टू 1 crore. सेम सेम ऊपर जैसा ही. उसके बाद में सुनना, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार वन करके अलग से पढ़ा है, स्टार मार्क वन करके अलग से पढ़ा है. उसके बाद में एक और स्टार टू कर दिया है, पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर. तो इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को हम इस चार्ट में कवर नहीं करते हैं, बाकी सबको चार्ट में कवर करते हैं. सुनना, अब इस चार्ट में सबकी सेम है. जो स्टार मार्क एक आई थी EIF, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अब नेक्स्ट तीन एक जैसी है. फोकस करना 100% यहां पे, फोकस 100% ऑन द स्क्रीन. देखना, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग,
पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर एंड पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इन तीन चीजों की पेनल्टी बता रहा हूं मैं, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, इन सब की पेनल्टी अब बहुत सिमिलर है। पहले इनसाइडर ट्रेडिंग पे आते हैं, वो भी एग्जामिनर की फेवरेट है। मिनिमम 10 लाख मिनिमम पेनल्टी इज गोइंग टू फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, मिनिमम पेनल्टी इज गोइंग टू बी ऑफ 10 लाख, मैक्सिमम सी 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर। मिनिमम इज 10 लाख, मैक्सिमम इज 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर, इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर, एग्जैक्टली सेम कॉपी बेस्ट कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की है वही है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स एक्विजिशन वगैरह। ठीक है, टेकओवर कोड को वायलेशन किया तो यही है यहां पर। उसके बाद में आता है पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेम है बस डिफरेंस क्या है, 10 लाख की जगह कर दिया है 5 लाख, 10 लाख की जगह कर दिया 5 लाख। तो इफ देयर इज एनी पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है, मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम वही 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, व्हिचएवर इज हायर। तो ये तीनों पेनल्टी एक जैसी है। कौन सी तीनों पेनल्टी एक जैसी है? इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर एंड फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फर्स्ट टू में मिनिमम 10 लाख है, थर्ड में मिनिमम 5 लाख है बस। पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हमने साइड में रखी है। और फिर आता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़। कुछ नहीं कि जहां पे कोई भी पेनल्टी नहीं, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़। सुनना, फोकस करना अच्छे से, ये पूरा पेनल्टी है ये तो पूरा याद ही होना चाहिए। ठीक है, सुनना अच्छे से। तो इस पूरे के अंदर अगर हम देखते हैं, सो अंडरस्टैंड, दो हमने साइड में रख ली जो हमें पढ़ना बाकी है, स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड पेनल्टी पढ़ना बाकी है, और अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अल्टर किया या डिस्ट्रक्ट किया तो हमें पढ़ना बाकी है। तो ये दोनों हमारी पेनल्टी पढ़ना बाकी है। इन दोनों के अलावा बाकी सारी पेनल्टी यहाँ पे कवर हो जाती है। हमने क्या सीखा, 4 पेनल्टीज अलग है, बाकी सबकी पेनल्टी वही। देखो, एक नीचे वाला हटा दो, वेन नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन गिवन, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़, इसको उड़ा दो। फिर 4 ही तो अलग है, एक आ गया था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और AIF पे। इन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम का ए आ गया 1 लाख पर डे अप टू वन सीआर और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद में आया इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन, हमने अगर मान लीजिए वी हैव नॉट डिस्क्लोज्ड द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर, एंड थर्ड वन क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस केस में भी सेम है, बस जो आखिरी वाला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम 5 लाख है, ऊपर दोनों में मिनिमम 10 लाख है, और मैक्सिमम क्या हो जाता है, 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, व्हिचएवर इज हायर। डोंट यू थिंक द लाइफ इज ईजी हियर? ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी कंफर्टेबल टू रिमेंबर, राइट? अब आते हैं इन दो पेनल्टीज पे जो हमने यहां पे छोड़ दिया, कि अगर मान लीजिए हम लोग ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन करते हैं रिकॉर्ड्स का तो क्या होगा, और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक ब्रोकर के लिए क्या होगा। फोकस 100%। चलिए पहले उसको रैप अप करके आते हैं कि इन दोनों के लिए क्या होगा। स्टॉक ब्रोकर वाला इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट है, स्टॉक ब्रोकर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकियों का लोड नहीं ना, स्टॉक ब्रोकर वाला अच्छे से हो जाना चाहिए। यस, हियर वी आर। स्टॉक ब्रोकर के केस में 100% फोकस के साथ समझेंगे कि स्टॉक ब्रोकर के केस में डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट 3 प्रकार का हो सकता है। स्टॉक ब्रोकर के केस में डिफॉल्ट 3 प्रकार का हो सकता है। पहला टाइप ऑफ डिफॉल्ट क्या है, इफ द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट। इफ द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट, स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इफ द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और मेक द पेमेंट। कैसा होता है बेटा जी, आप शेयर मार्केट में जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो इधर यू आर अ बायर और अ सेलर। इफ यू आर अ बायर देन यू आर गिविंग मनी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग शेयर्स। इफ यू आर अ सेलर यू आर गिविंग शेयर्स यू आर एक्सपेक्टिंग मनी। तो स्टॉक ब्रोकर का काम होता है कि उसके क्लाइंट को, अगर वो बायर है तो उसको शेयर्स टाइम पे मिल जाए, और अगर वो सेलर है तो उसको पैसे टाइम पे मिल जाए। तो इफ द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू डिलीवर द सिक्योरिटी और मेक द पेमेंट टाइमली, तो ये भी एक डिफॉल्ट है। एंड लास्ट क्या है, ये चोर है स्टॉक ब्रोकर, चार्जेस एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज विच इज इन एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। सेबी ने क्या कर रखा है, सेबी ने एक लिमिट लगा रखी है कि आप ब्रोकरेज मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, राइट? और ये HDFC वगैरह, ये लोग हाईएस्ट ब्रोकरेज लेते हैं। तो समझो इन्होंने लिमिट लगा रखी कि ब्रोकरेज कितना ले सकते हैं। अगर किसी भी ब्रोकर ने उस अमाउंट से एक्सेस में लिया, परसेंटेज की लिमिट है, उस परसेंटेज अमाउंट से एक्सेस में लिया तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। तो स्टॉक ब्रोकर पे 3 तरह की पेनल्टी है। पहला क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया। आई गेस ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट नोट। व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट एनी ट्रेड यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ट्रेड, राइट? सो इफ द स्टॉक ब्रोकर
has defaulted in issuing contract note. Second, the stock broker has defaulted in delivering the securities or making the payment timely, or the stock broker has charged excess brokerage. तो तीन केस है, तीन केस में तीन पेनल्टीज होंगी 100% फोकस. अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया तो क्या होगा? अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया, he'll be liable to a penalty of not more than 1 lakh, but which may extend to 1 crore rupees, which the contract note was issued 1 lakh to 1 crore. इतना समझ लो, 1 lakh to 1 crore. अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया है, 1 lakh to 1 crore. यहां पर आता हूं, डिलीवरी सिक्योरिटीज टाइम पे डिलीवर नहीं किए, सिक्योरिटीज टाइम पे डिलीवर नहीं की है या फिर पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ है, देन व्हाट? 1 lakh विच में एक्सटेंड टू 1 lakh पर डे, मैक्सिमम 1 crore. वही जो हम हमेशा पढ़ते हैं, अगर पेनल्टी आपने अगर टाइमली सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं किए, आपने अगर टाइमली सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं किया फिर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 1 lakh पर डे अप टू 1 crore, जो अपना रेगुलर पेनल्टी पड़ रहा है. तो स्टॉक ब्रोकर में भी अगर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो रेगुलर डिफॉल्ट है. लास्ट वाला नया है कि अगर आपने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया तो क्या होगा? 1 lakh मिनिमम हो गया, एंड इट मे एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज्ड. ठीक है भाई साहब, तो इसमें समझ लो मिनिमम 1 lakh एंड मैक्सिमम 5 times ऑफ ब्रोकरेज चार्ज्ड. यहां पे जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, इट नीड्स सम चेंजेस, राइट? बट हमें हमारा पेनल्टी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया है तो 1 lakh to 1 crore, अगर मान लीजिए टाइमली डिलीवरी नहीं किया तो रेगुलर पेनल्टी 1 lakh हो गया, मिनिमम मैक्सिमम 1 lakh पर डे अप टू 1 crore, और लास्ट में अगर एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया है तो मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 5 times ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज्ड. ये हुआ यार, ठीक है. एंड फिर आता है ऑल्टरेशन. वो आपने ऑल्टरेशन नहीं, अगर आपने हाँ कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया, ऑल्टर कर दिया तो क्या होगा? ये देखो, अगर आपने ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन कर दिया तो क्या होगा? यू विल बी लायबल टू अ पेनल्टी of not less than 1 lakh rupees, but which may extend to 10 crore rupees or 3 times the amount of profit made out of such act. Sunna, agar aapne kisi bhi documents ko destruct kiye, alter kiye, falsify kiye hain, to aapke upar penalty hogi kitni? Minimum 1 lakh rupees, up to 10 crore or 3 times of profit made, whichever is higher. Aapko samajh mein aa raha hai? Minimum 1 lakh, मैक्सिमम ए 10 crore, बी 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर. जो भी हायर होगा वो होगी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी. सो ये होगा अगर आपने कभी भी डॉक्यूमेंट्स के ऑल्टरेशन किया है, डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह फॉल्सिफाई किया है, डिस्ट्रक्ट कर दिए, जला दिए आपने आपको छुपाने के लिए अथॉरिटी से, तो इन सब के अंदर मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 10 crore और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर. बेटा जी कहां आप पहुंच चुके हो? आप फोर्थ भी कंप्लीट कर चुके हो. सुना, फोर्थ में एक चीज पढ़ानी बाकी है, बट ऑलमोस्ट ये जो मुझे लास्ट के कुछ चीजें बतानी बाकी है, ठीक है, फोकस करना अच्छे से. कहां पहुंच चुके हो? फोर्थ पे. अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 और शीट्स में पूरा सेबी एक्ट रैप अप हो जाएगा, एंड दिस इंक्लूड्स द एंटायर सेबी एक्ट, एंटायर सेबी एक्ट. तो यहां तक हम लोग पेनल्टीज भी रैप अप कर चुके हैं. एक बार मैं दिमाग में चाहता हूं कि आप सब बच्चों के दिमाग में यहां तक का जो हमने रिवीजन किया वो एक और बार दिमाग में सेट हो जाए. 100% फोकस हर एक का मुझे चाहिए. हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने बड़ी बेसिक सी चीजें पढ़ी कि सेबी का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट कब सेबी आया था, कहां सेबी आया था, कैसे सेबी आया था, ये सारी चीजें पढ़ी. तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल क्या, सेबी एक्ट है, एक्सटेंड क्या है, होल ऑफ इंडिया कमेंसमेंट 30th of January 1992. फिर सेबी इज द बॉडी कॉर्पोरेट, वो सेक्शन पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन उड़ाया. फिर बॉडी कॉर्पोरेट है तो स्यू कर सकता है, स्यूड कर सकता है, बाय कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें पढ़ ली. फिर उसके पूरे मेंबरशिप के बारे में पढ़ लिया, एक चेयरमैन होगा, 2 officials फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 official ऑफ आरबीआई, 5 other members आउट ऑफ होम 3 should be होल टाइम मेंबर्स, ये सब पढ़ लिया. उनका टेन्योर पढ़ लिया कि भाई सब 5 years, दे कैन बी रीअपॉइंटेड अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 65, ये सब पढ़ लिया. इनवैलिडिटी ऑफ एक्ट्स के, भाई साहब अगर इनके अपॉइंटमेंट में कुछ गलती भी हुई है, अगर इनके अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट भी है या फिर वैकेंसी भी थी, फिर भी जो एक्शंस लिए होंगे वो सारे के सारे वैलिड रहेंगे. फिर पढ़ लिया कि किसी को निकाला कैसे जा सकता है. हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, और अ पर्सन हैज बीन, एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया, और उसके बाद में अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अ पर्सन हैज डन व्हाट, अब्यूज्ड हिज पोजीशन और डन एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो उसको निकाला जा सकता है. इन सबके अदरवाइज भी अगर निकालना चाहता है कभी भी, तो उसको निकाल सकते हैं बाय गिविंग 3 months नोटिस और 3 months सैलरी एंड अलाउंस. कोई व्यक्ति खुद से छोड़ना चाहता है तो खुद से भी छोड़ सकता है बाय गिविंग 3 months नोटिस. फिर हमने पढ़ा कि कौन व्यक्ति मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एनी मेंबर हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड हैज एनी पिक्यूनरी इंटरेस्ट हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट. डोंट यू थिंक द एंटायर पार्टी इज डन? पार्टी इज डन, हो गया, पार्टी खत्म हो गया.
फिर हम लोग आगे बढ़े पार्ट बी में गए फंक्शंस एंड पावर्स। तो सबसे पहले उसमें फंक्शंस की लिस्ट आई, पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट आया, पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, अंडर एससीआरए सारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पावर्स थे कि हम ऐसा कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉस को हम अप्रूव करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बायलॉस को हम सभी चेंज भी कर सकते हैं, हम पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब पढ़ा। मेन चीज था हमारा पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, उसके अंदर पढ़ा कि हाँ हमारे पास पावर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। सेबी हैज गॉट 5 पावर्स लाइक अ सिविल कोड, लाइक अ सिविल कोड। कौन सी 5 पावर्स मिलती है? सबसे पहले मिलती है सेबी कैन डू व्हाट, ज़ूप ज़ूप, सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, सेबी कैन समन एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ, थereafter सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12, सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी पर्सन एनी लिस्टेड कंपनी और एनी कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, एंड सेबी कैन इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। ये कंप्लीट किया हमने, ठीक है। इसके साथ ऑलमोस्ट हम छोटे 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 सेक्शंस पढ़ रहे थे, ये हमारे फंक्शंस एंड पावर खत्म हुआ। फिर हम चार्ट थ्री पे आ गए, चार्ट थ्री में शुरुआत में बोला कि सेबी ये कर सकता है, फिर सेबी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, फिर सेबी इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ था, राइट। और उसके बाद में कहा कि सेबी कोई मैनिपुलेटिव काम भी मत करना, ये सब चीजें भी मत करना, इस तरह के सारे डायरेक्शंस इशू कर सकता है, लेवी कर सकता है, पेनल्टी, ये सब आया। एंड में हम आते गए कि सेबी का जो है ना, सेबी के पास एक फंड है, उस फंड में ये आपके गवर्नमेंट ग्रांट है, ऊपर वाला सेक्शन था, गवर्नमेंट ग्रांट देता है पार्लियामेंट के अप्रूव करने के बाद में, ये ग्रांट से पैसा आता है, चार्जेस से आता है, पेनल्टी से आता है। कहां यूज होता है? तो यूज होता है कि सबकी सैलरी कहां से, यहीं से तो देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के लिए यूज करते हैं, सेबी के फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ये सब हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोग आए इधर फोर्थ पे ऑन द पेनल्टी सेक्शन, यहां पे हमने पढ़ा कि जनरली सबकी पेनल्टी रेसिडुअरी पेनल्टी हमें मिलती है 1 लाख पर डे, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 crore, ये जनरली हर जगह मिलती है। अगर कहीं भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं है तो मिनिमम 1 लाख अप टू 1 crore। फिर बीच में कुछ एक्सेप्शनल पेनल्टीज आती है, जैसे कि एक आता है कि अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और AIF में कुछ गलती की है, मिनिमम 1 लाख अप टू 1 लाख पर डे, अप टू ए, मैक्सिमम ए 1 लाख पर डे, अप टू 1 crore, अप टू 10 crore, अप टू 1 crore, एंड बी 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 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर, क्लियर बेटा जी। उसके बाद में आते हैं हमारे 3, इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड आपने कोई भी वॉयलेशन किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एनी मार्केट मैनिपुलेशन, ये आपने किया है। तो उसके अंदर क्या आया, सबका सेम है समझो, इनसाइडर ट्रेडिंग और नॉन डिस्क्लोजर का तो सेम ही है, क्या है, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 crore और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर, सिर्फ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर मिनिमम 10 लाख की जगह 5 लाख हो जाता है। फिर हम बाहर निकल के 2 पढ़कर आए, एक हमने पढ़ा कि अगर कभी भी ऑल्टरेशन फॉल्सिफाई मैंने फाड़ दी, मैंने छुपा दिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, तो क्या होगा मेरे साथ, तो मेरे साथ उसका मिनिमम वही 1 लाख आ जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम यहां पे कितना चला जाता है आपका 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर वाले प्रोविजन आ जाता है। आई होप यू रिमेंबर, क्लियर है। उसके बाद में आ जाता है हमारा वापस एक और जो स्टॉक ब्रोकर, ये अच्छे से दिमाग में बैठाना, स्टॉक ब्रोकर के 3 थे। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया तो क्या होगा, इफ अ पर्सन हैज फेल डिलीवरी के अंदर या पेमेंट के अंदर गलती कर दी, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर दिया। देखो पेमेंट नहीं किया टाइम पे, डिलीवरी नहीं की, तो वही है 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 crore। यहां पे फर्स्ट केस में आ गया तो 1 लाख टू 1 crore, और लास्ट केस में आता एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, तो मिनिमम 1 लाख अप टू मैक्सिमम 5 times ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। आर यू ऑल विथ मी? ये बताया क्या था, जो हमने इंसेप्शन कर दिया, मतलब समझ रहे हो, रिविजन में रिविजन है, ये रिविजन का रिविजन था। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी पीपल? चलिए, तो इसमें एक और छोटी चीज आपको बतानी मुझको, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड लास्ट इज क्या, क्रेडिटिंग सम, ये तो ठीक है, मेनली फैक्टर्स ही बताना है, ठीक है, पेनल्टी हो गया, पार्ट टू एडजुडिकेट, ठीक है। सेबी, एक और छोटी सी चीज बता देता हूं यहां पर, सेबी हैज द एडजुडिकेटिंग फंक्शंस, तो सेबी कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेबी कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजन चीफ। होता क्या यारों, कि सेबी अकेली बॉडी है तो वो इंडिया में सारे केसेस को ऐसे हैंडल करेगी, तो सेबी कैन अपॉइंट वेरियस इन्वेस्टिगेट, सेबी कैन अपॉइंट वेरियस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, ये लोग कोई भी केस आया तो इनके पास भी पावर है दैट दे कैन ऑर्डर टू डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, समन एनी पर्सन, और ये सब इन्वेस्टिगेट करके अपने हिसाब से ऑर्डर पास कर सकते हैं, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन सेबी को अगर कभी भी लगता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसी पेनल्टी इंपोज की विच इज एरोनियस, तो सेबी उस पेनल्टी को वापस चेंज भी, रिवाइज भी कर सकती है, क्लियर है, बढ़ा भी सकती है। चलो अब जो मैं बताना चाह रहा था, जो भी पैसा आता है यहां पे पेनल्टी का, वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और एक सेटलमेंट का प्रोविजन भी है। मैं आना चाह रहा हूं ऑन द टॉपिक ऑफ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, 100% फोकस मुझे सबका यही चाहिए, फोकस है। बेटा जी,
आखिर हमने जो पेनल्टीज पड़ी, हमने जो पेनल्टीज पड़ी उन सब में एक लिमिट दे रखी है, एक लिमिट ऐसी दे रखी है कि इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में 1 लाख टू 1 करोड़ इतनी पेनल्टी होगी। तो यार सवाल यह है कि ये जो लिमिट दे रखी है एग्जैक्टली पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा, एग्जैक्टली पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा। सो फोकस करना, क्वेश्चन इस टॉपिक इज फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए डिटरमिन करेगा अमाउंट ऑफ पेनल्टी, के पेनल्टी का अमाउंट क्या रखना है, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन किन चीजों का ध्यान में रखते हुए डिटरमिन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट पेनल्टी का अमाउंट डिटरमिन करेगा। कि 1 लाख टू 1 करोड़ है तो कितना करना है, 20 लाख कर देते हैं, ये किन फैक्टर्स के बेस पे करेगा, समझो थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, ये हमारा राजू, राजू ने सत्यम स्कैम किया, फ्रॉड किया लोगों के साथ में। तो पहला चीज कि राजू को कितना अनफेयर एडवांटेज हुआ है, अनफेयर गेन हुआ है, इस बात पे राजू के ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो पहला पॉइंट हो गया द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेर एवर क्वांटिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, कि वो फ्रॉड करके उस व्यक्ति को कितना फायदा हुआ है इसके बेस पे हम उसके ऊपर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट डिसाइड करेंगे। सो द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेर एवर क्वांटिफाइबल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का फायदा तो नहीं हुआ बट लोगों का नुकसान बहुत हुआ। तो दूसरा फैक्टर क्या है, जो जनता का लॉस हुआ है, द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ग्रुप। तो पहली चीज क्या हो गया कि द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज दिस पर्सन इज डिराइव्ड, द सेकंड पॉइंट इज अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट, क्या आपने कितना इन्वेस्टर्स को लॉस किया, एंड थर्ड इज यारो ये शक्ल तो आप जानते होंगे ना, द रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कि आपका डिफॉल्ट कितना रिपीटेटिव नेचर का, अगर आप बार 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 डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऑफकोर्स फिर पेनल्टी ज्यादा देगी। क्लियर है? तो इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिटरमिन किया जाता है द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। क्लियर है? क्या पहला डिसप्रोपोर्शनेट गेन एंड अनफेयर एडवांटेज, द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर, एंड थर्ड इज रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। चलो अब एक और संघर्ष है यहां पर, चलो एक और चीज बताता हूं आपको बहुत प्यारी, एंड में आएगा एक और सेक्शन, एंड में रिकवरी ऑफ अमाउंट, यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं। अगर मान लीजिए हमने यहां पे किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑफेंडर के ऊपर, किसी भी ऑफेंडर के ऊपर हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी 5 करोड़ की, बट वो दे ही नहीं रहा है। वॉट इफ वी हैव ऑर्डर्ड अ पेनल्टी ऑफ 5 crore ऑन एनी पर्सन, वॉट इफ वी हैव ऑर्डर्ड अ पेनल्टी, हमने पेनल्टी लगा दी है बट द पर्सन इज नॉट गिविंग द पेनल्टी, वॉट इफ द पर्सन इज नॉट गिविंग द पेनल्टी, देन वॉट, तो आप उससे पेनल्टी कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसका पूरा एक सेक्शन है रिकवरी ऑफिसर का, कि रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट बनाता है और सर्टिफिकेट बना के उसके पैसे रिकवर कर सकता है, किस तरह से पैसा रिकवर कर सकता है वो देखो। रिकवरी ऑफ अमाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी, तो यहां पे एक रिकवरी ऑफिसर आता है, उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है कितना रिकवरी का अमाउंट है, दो भैया, अगर वो व्यक्ति नहीं देता है, सुनना, रिकवरी फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, जो मैं अब मोड्स बता रहा हूं उसमें से वन ऑफ फॉलोइंग मोड्स से आप कर सकते हो। देखो भाई साहब, राजू के ऊपर हमने पेनल्टी लगाई, वो दे नहीं रहा है, सुनो राजू के पास क्या क्या है, घर, बंगला, बैंक बैलेंस सब है राजू के पास। सबसे पहले रिकवरी ऑफिसर क्या उड़ाएगा, देखना ध्यान से, ये आया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर हो सकता है, उसको जो अपना पैसा रिकवर करना है वो कैसे रिकवर करता है, सबसे पहले देखो मूवेबल प्रॉपर्टी उठा ली, मूवेबल अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू रिकवर द मनी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इवन देखो उस व्यक्ति को हम इम्प्रिजन भी कर लेते हैं, डिटेंशन एंड प्रिजन, एंड अगर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है मूवेबल इमूवेबल, तो हम एक रिसीवर को अपॉइंट भी कर सकते हैं टू हैंडल रिसीवर। तो पॉइंट्स क्या फोकस करो, 5 पॉइंट, पहला अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इफ अ पर्सन इज नॉट पेइंग द पेनल्टी, व्हाट इफ अ पर्सन इज नॉट पेइंग द पेनल्टी, यू कैन रिकवर द पेनल्टी बाय वन ऑफ दीज 5 मींस, व्हाट, फर्स्ट अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयर आफ्टर व्हाट, फिर भी वो नहीं दे रहा है, देन व्हाट, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन एंड अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट, अगर ऊपर के कोई मूवेबल इमूवेबल बिके नहीं है तो रिसीवर अपॉइंट कर दिया फॉर द मैनेजमेंट। तो दिस इज हाउ अ पर्सन कैन रिकवर। बट रुक जाओ, ये तो हमारे सेबी के लास्ट जगह पे आता है, हम लोग कहां पर है, यहां पर हम लोग, यहां पर एकदम आराम से हम फोर्थ जो पार्ट है उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे, हम लोग अभी भी फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करना चाह रहे थे। फोर्थ पार्ट में हमने क्या देखा, बहुत सारी पेनल्टीज और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आई होप यू आर विथ मी, बहुत सारी पेनल्टीज और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यस पीपल, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल।
अब आता है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पार्ट, अब आता है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पार्ट, दैट इज सेट। मेरे साथ बने रहना, आपको पता भी नहीं चलेगा और अब सभी एक्ट खत्म होने वाला है बस, क्योंकि क्या करना है, फिफ्थ से दो चीजें, दो पार्ट हमें पढ़ने बाकी है, एक सेट यहां से आता है, उसके बाद मिसलिनियस है, मिसलिनियस में तो दम नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सेट, 100% फोकस हियर ऑन द टॉपिक ऑफ सेट, एस्टैब्लिशमेंट, ज्यूरिसडिक्शन, अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल सेट, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन सेट के बारे में। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, फोकस है, फोकस है, फोकस है। सो एकदम सिंपल, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी हियर, सेट, ये हमारे सेबी एक्ट का फिफ्थ पार्ट है जिसमें हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी हियर, सेट, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश सेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि बाय नोटिफिकेशन सेट को फॉर्म करना है तो वो सेट को फॉर्म कर सकता है, वंडरफुल। ठीक है, सेट में कौन होता है, सेट के कॉम्पोजिशन में तीन लोग, पहला मिनिमम तीन लोग, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वन जुडिशियल मेंबर एंड वन टेक्निकल मेंबर। तो ये तो हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये हो गया आपका जुडिशियल मेंबर, और जो उधर खड़ा है वो हो गया आपका टेक्निकल मेंबर। तो इस प्रकार के सेट के अंदर तीन लोग होने मिनिमम, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर एज अपॉइंटेड, कम से कम एक एक तो होने ही चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली सर, बहुत अच्छा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है। अब मैं आपको सेट के बारे में बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को, सेट क्या है, अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है कभी, इफ यू नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ सेबी, यू कैन मेक एन अपील टू सेट। अगर कभी भी आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, यू कैन मेक एन अपील टू सेट। अगर कभी भी आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, यू कैन मेक एन अपील टू सेट। क्लियर है, आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं, यू कैन मेक एन अपील टू सेट, वंडरफुल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ठीक है, अब सेट में कौन कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड टू मेंबर्स, वन इज अ जुडिशियल मेंबर, वन इज अ टेक्निकल मेंबर। Who is eligible to be the presiding officer? Presiding officer बनने के लिए क्या eligibility? 100% focus. Presiding officer बनने के लिए you have to be a judge of Supreme Court or a chief justice of High Court or you have to be a judge of High Court for at least 7 years. Presiding officer बनने के लिए judge of Supreme Court, ठीक है, chief justice of any High Court or any judge of High Court for at least 7 years. इन तीनों में से कोई भी qualification आप satisfy कर देते हैं तो you can become presiding officer. ओके सर, ठीक है सर, हमको मान लो जुडिशियल मेंबर बनना है तो उसके लिए इजी है, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए यू हैव टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years. जुडिशियल मेंबर बनने के लिए जस्ट हैव टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. ठीक है सर, टेक्निकल मेंबर उसकी कहानी अलग है, देखना लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूं। सैट के पास एपिलेट पावर है तो मोस्टली अगर कोई भी व्यक्ति सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो आता है सैट के पास, कोई भी व्यक्ति अगर सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो आता है सैट के पास, क्योंकि अगर कोई सेबी ऑर्डर नहीं मेरे को आना है तो यहां पर दो तो जुडिशियल लोग ना, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका भी बैकग्राउंड पूरा जज का है, ये जुडिशियल मेंबर इसका बैकग्राउंड पूरा जज का है। अरे यार, तो कोई तो होना चाहिए जिसको शेयर मार्केट की पूरी डिटेल्स पता हो, जो शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके इन लोगों को, ये इनको जुडिशरी है, इनको जुडिशरी के बारे में पता है, जजिंग पता है, बट आपको वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट भी तो अच्छे से बताना चाहिए। तो इस कारण से एक टेक्निकल मेंबर है कि अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स केस आता है तो टेक्निकल मेंबर असिस्ट करता है, वो सारे केसेस में असिस्ट करता है बट इस पर्पज से उसको रखा है। सो टेक्निकल मेंबर की क्वालिफिकेशन देखो आप, दिस गाय शुड बी अ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ही हैज, इट हैज टू बी अ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है भाई, या तो ये सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होगा इन व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इक्विवेलेंट पोस्ट इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इज अ पर्सन ऑफ अबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, मेमोरी टेक्निक IAS, इज अ पर्सन ऑफ अबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन, देखो, of not less than 15 years in financial sector including securities market, pension fund or commodity derivative or insurance. ठीक है, क्या लिखा है समझना अच्छे से। ठीक है, what do you mean by SAT? SAT के composition की बात कर रहे हैं, SAT is an appellate tribunal to hear cases against सेबी सब्सटेंशियल, मैं बताऊंगा चार लोगों के अगेंस्ट केस आता है बट स्पेसिफिकली सेबी। ठीक है, सेट में कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, हैज टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, जुडिशियल मेंबर, जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्निकल मेंबर, ही हैज टू बी अ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और एट अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस पोस्ट एट अ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल।
और दिस पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 इयर्स इन द फॉलोइंग फोर फील्ड्स. क्या फोर फील्ड्स थी आपको? इंश्योरेंस, कमोडिटी डेरिवेटिव, पेंशन फंड एंड सिक्योरिटीज मार्केट. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सुनो आगे बढ़ते हैं. जुडिशियल मेंबर और सैट, इन दोनों को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज वेल एज द जुडिशियल मेंबर इन कॉन्करेंस, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जुडिशियल मेंबर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वहीं टेक्निकल मेंबर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय दिस गाय ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस एंटिटी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट. बट वहां पर देखना एक पूरा कमिटी फॉर्म होता है. इधर आओ. सो दिस गाय टेक्निकल मेंबर, ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. On recommendation of a search cum selection committee. और इसका पूरा constitution होता है कि कौन कौन उसका member होगा, उसका conveyor होगा, जो हमारा SAT का हमारा जो एक chairman होगा वही व्यक्ति वहां पर भी आ जाएगा. तो इस प्रकार का पूरा उसका composition होगा. वो जो search cum selection committee है, वो जो search cum selection committee है, वो search cum selection committee recommend करेगी और फिर central government appoint करेगी technical member को. So technical member is appointed by central government on the recommendation of search cum selection committee, on the recommendation of search cum selection committee. I hope you understand it. Clear beta ji? Ab thoda sa aage badhte hain. Focus karna. Last kya tenure likha hai? Tenure of presiding officer, judicial member, technical member shall be 5 years. Inka tenure kitna 5 years rehta hai? They are eligible to be reappointed subject to an upper age of 70. Wahan pe SEBI mein kitna diya tha? 65. वहां पे भी सेम था, टेन्योर 5 years एलिजिबल टू बी रिअपॉइंटेड बट द अपर एज वॉज 65. यहां पे सेम है, टेन्योर इज 5 years एलिजिबल टू बी रिअपॉइंटेड बट द अपर एज इज व्हाट 70. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपको प्रोसीजर बताओ. सबसे पहले देखो सुनो, ये चार लोगों का ऑर्डर है. सबसे पहले क्या ऑर्डर ऑफ सेबी एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये तो समझ में आता है. ऑर्डर ऑफ सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, साथ में इवन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. इन अथॉरिटीज का अभी तक अपना कोई अपील ट्रिब्यूनल नहीं है, तो इनके भी अपील सैट के पास आते हैं. ठीक है, टेम्प्रेरी मुझे लगता है कुछ सालों में हट जाएगा, बट अभी तो चार लोगों के अगेंस्ट, चार लोगों के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप आ सकते हो सैट के पास. सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, IRDA एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन चारों के ऑर्डर के अगेंस्ट, इन चारों के ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन मेक एन अपील टू सैट within 45 days. You can make an appeal to SAT within 45 days. तो इन चारों में से किसी ने भी order pass किया आपके against, आप खुश नहीं हो उस order से, you can make an appeal to SAT. Okay. SAT क्या करता है? SAT can confirm, modify or set aside the order of SEBI adjudicating officer or these people. कि SAT के पास कोई order आया मान लो SEBI का, तो SAT क्या कर सकता है? उसको set aside कर सकता है कि नहीं ये ऑर्डर सही नहीं है, कंफर्म कर सकता है कि ऑर्डर सही है या फिर मॉडिफाई कर सकता है. तो SAT can set aside, confirm और modify the order. ठीक है, जो भी करेगा सैट, सैट कोशिश करेगा कि ये पूरी अपील को हैंडल करे एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल. सैट विल ट्राई एंड हैंडल द अपील एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल. सैट विल ट्राई एंड हैंडल द अपील एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, बट एन अटेम्प्ट विल बी मेड कि इसको रैप अप कर देना है विद इन 6 months. 6 महीने में खत्म करने की एक कोशिश की जाएगी. 6 months इज अ डायरेक्टरी पीरियड, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है. 6 महीने में खत्म करने की कोशिश की जाएगी. साथ में सैट कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसकी कॉपी सारी पार्टीज को देगा. ठीक है, चलो, हमारे अगेंस्ट सेबी ने कुछ ऑर्डर पास किया था, हम बहुत रोए और रो के हम गए सैट के पास, हम गए सैट के पास कि सेबी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है. अंडरस्टैंड, सैट ने भी सेबी के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया. सो नाउ वी आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ सैट एज वेल. व्हाट कैन वी डू? वी कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सैट टू सुप्रीम कोर्ट. सो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सैट कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट विदिन अ पीरियड ऑफ 60 days. सो ओके, वेरी सिंपल, इन चारों के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सैट के पास विदिन 45 days, सैट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास विदिन 60 days. बहुत आसान, कोई परेशानी की बात नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है, वैसे तो ऐसा माना जाता है सैट का ऑर्डर फाइनल है, द ऑर्डर ऑफ सैट इज फाइनल, बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्वड देन अपील कैन बी मेड. सो अपील टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है. चलो, ये आएगा सर, एक बालक के दिमाग में बैठ चुका है. क्या बैठ चुका है दिमाग में? एकदम सिंपल सी बात कि इन चारों के ऑर्डर, इन चारों में से किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, इन चारों में से किसी भी अगेंस्ट अगर ऑर्डर करना है तो सैट के पास कर सकते हैं अपील विद इन 45 days. सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो अपील कर सकते सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days. सर, अगर सेबी के ऑर्डर पास हुआ, सेबी का ऑर्डर पास हुआ, मुझे कम्युनिकेट हुआ, वहां से 45 days होते हैं, ठीक है, 45 days हो गए, क्या मैं उसके बाद अपील फाइल कर सकता हूं? सुनना केयरफुली,
You can file an appeal even after 45 days, but in that case, you will have to satisfy SAT that there was some sufficient cause. So SAT has a power to even accept appeal after 45 days. 45 days tak unke paas right tha appeal file karne ka against SEBI, nahi kiya unhone. Uske baad kiya. SAT has a right to even accept the appeal. SAT has a right to even accept the appeal. Le sakta hai if SAT feels that there was sufficient cause. Sir, same Supreme Court mein bhi hoga. Haan, but thoda sa difference hai. Dekhna dhyan se. सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द अपील आफ्टर 60 डेज बट ओनली फॉर नेक्स्ट 60 डेज फर्दर 60 डेज इफ सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सैट में आप 45 डेज में अपील नहीं कर पाए तो उसके बाद आप जब भी अपील करोगे उसके बाद में आपको सैट को सेटिस्फाई करना होगा देयर वाज सफिशिएंट कॉज. कोई टाइम पीरियड नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है 60 डेज में तो अपील करना है उसके बाद विद इन नेक्स्ट 60 डेज अगर अपील की तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुन कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है सफिशिएंट कॉज है तो ऐसा समझो सैट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हो विद इन 60 डेज फर्स्ट 60 डेज तो आपका राइट है. नेक्स्ट 60 डेज में आपका राइट नहीं है लेकिन इफ सुप्रीम कोर्ट सीज दैट देयर इज सफिशिएंट कॉज तो अपील ले सकता है. वैसा ही सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट सैट के मास जा रहे हो विद इन 45 डेज तो आपका राइट है. आफ्टर 45 डेज कोई टाइम पीरियड नहीं है लेकिन आप कभी भी अपील फाइल करते हो इफ सैट इज सैटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज ओनली देन सैट अलाउज यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्लियर बेटा जी. अब ये जो पूरा मैंने आपको भी पढ़ाया दो स्लाइड्स में वो पूरा सेक्शंस में कहां कवर होता है उसके लिए देखो ये पूरा कवर होता है तो ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस है. सो यू कैन कीप दिस स्लाइड जिसके अंदर आपको एक्जैक्टली पता होगा कौन से सेक्शंस के अंदर लिखा है एंड सेम विद द नेक्स्ट. यहां पे तो खैर दो ही है 15T और 15Z. ये पूरा 15 का ही फंडा चल रहा था. क्लियर है. मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है एंड विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट सैट का रिमेनिंग पार्ट का रिविजन. फोकस करना चलो 100% फोकस यहां पे. 15K एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैट तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश सैट वेरी गुड एंड कैन हैव सच अदर बेंचेस एज नेसेसरी. बेंचेस क्या होता है आपको पता है ना जैसे कि महाराष्ट्र की बात करता हूं तो महाराष्ट्र हैज गॉट अ से फॉर एग्जांपल हाईकोर्ट एट बॉम्बे एंड अ बेंच एट नागपुर एंड अ बेंच एट औरंगाबाद. तो हाईकोर्ट तो बॉम्बे में लेकिन एक बेंच उसकी नागपुर में भी है और औरंगाबाद में भी है मतलब इन दोनों जगह पे भी डिसीजन मेकिंग होती है. यहां पे भी एज गुड एज हाई कोर्ट है जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इज इन जोधपुर बट इट हैज गॉट अ बेंच इन जयपुर. तो मतलब जयपुर में भी हाई कोर्ट काम करता है और जोधपुर में भी करता है. तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब चाहे तब यहां पर सैट की फर्दर बेंचेस भी बनाई जा सकती है बट हर एक बेंच में एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होना मैंडेटरी है. हर एक बेंच में एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होना मैंडेटरी है. फोकस करना अच्छे से ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट कंपोजिशन हमने पढ़ लिया कि कंपोजिशन में क्या होगा एक तो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक मिनिमम एक जुडिशियल मेंबर मिनिमम एक टेक्निकल मेंबर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ सैट. क्वालिफिकेशन पढ़ी हमने अगर आपको बनना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यू हैव टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज राइट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years. अगर आपको बनना है जुडिशियल मेंबर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. अगर आपको बनना है टेक्निकल मेंबर तो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और सिमिलर पोस्ट equivalent post under center or state government or you should be a person of ability integrity and standing and you have special knowledge and experience for 15 years in the given 4 fields commodity derivative insurance securities market ye sab. tenure of office of presiding officer and other members tenure kya tha 5 years 5 saal ka tenure rahega you are eligible to be reappointed but upper age kitna hai 70 usse tak kaam nahi kar sakte. salary allowances as they may determine लेकिन एक पॉइंट इतना ध्यान रखना कि एक बार जो सैलरी और अलाउंस पे आपने उनको अपॉइंट किया है उसका बाद में रिड्यूस नहीं कर सकते डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकते. फाइलिंग अप ऑफ वैकेंसीज जैसे ऐसे जरूरत लगेगी कि इन लोगों को सैट और सभी की जरूरत है तो सैट के लिए उतने ही और एम्प्लॉयज को अपॉइंट भी किया जाएगा. रेजिग्नेशन एंड रिमूवल यहां पर वही 4 पॉइंट है एक आधा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है आपको बाकी मोरलेस वही पॉइंट मिलते हैं कि उन ग्राउंड पर आप यहां पर रिमूव कर सकते हैं. कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जैसे कि सबसे पहला वैसा ही रहेगा आपका कि इफ अ पर्सन इज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. अनसाउंड माइंड की जगह यहां पे क्या लिख दिया है फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है तो अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है तो वो व्यक्ति फिर अपॉइंट नहीं हो सकता है सैट में. उसके बाद रिमेनिंग जैसे कि मॉरल टर्पिटी वाला ऑफेंस क्या तो नहीं कर सकते अब्यूज ऑफ पोजीशन क्या तो नहीं कर सकते एकादा एडिशनल पॉइंट. तो मोरलेस वही पॉइंट जो सैट के लिए थे थोड़े चेंजेस के साथ. क्या चेंज बताया मैंने आपको एक तो एडिशनल पॉइंट है और एक चेंज क्या है वहां पे लिखा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यहां पे लिखा है पर्सन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी. 3 पॉइंट एग्जैक्टली सेम है क्या इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट एज इट इज आ जाएगा abuse of position वाला point as it is आ जाएगा and a person yes offence involving moral turpitude वो point as it is आएगा. इनमें से कोई भी case है तो आपको निकाला जा सकता है.
ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग एपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग। वही चीज कि अगर कोई वैकेंसी वगैरह होती है तो उससे इनवैलिडेट नहीं होगा। लेकिन हाँ सुनो, यहाँ पे बहुत खास चीज है एक दो सुना, कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है आपकी, आपने जो डिसीजन लिया, आपने मतलब जो भी डिसीजन लिया, अगर मान ली वही पॉइंट कि अगर सैट के कॉम्पोजिशन में कोई भी डिफेक्ट था, किसी भी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में, जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई भी डिफेक्ट था, फिर भी उन्होंने जो भी एक्शंस लिए वो वैलिड रहेंगे, जो भी एक्शंस लिए वो वैलिड रहेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए केस चल रहा है और हमारे यहां पे वैकेंसी हो गई है, राइट, तो फिर वो केस वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां से अगला मेंबर अपॉइंट हुआ है, अगला मेंबर अपॉइंट होगा और केस वहीं से कंटिन्यू होता है। सुना ध्यान से। उसके बाद में एक चीज को ध्यान रखो, अगर मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गया है, वेकेंट हो चुका है, तो वहां पे जो भी सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर है उसको एक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक एक रेगुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करता है। स्टाफ ऑफ सैट, तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा नीड लगेगा वैसे अपॉइंट करेगा, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। अपील टू सैट, जैसे कि हमने पढ़ा यारों कि अगर आप सेबी के ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या उन दो अथॉरिटी के ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं है, विद इन 45 डेज यू कैन मेक एन अपील टू सैट। क्लियर है? सैट क्या कर सकता है? कंफर्म, मॉडिफाई, सैटिस्फाई, सबको एक एक कॉपी देगा और एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करेगा विद इन अपर टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में, तो कोशिश करना ही है। प्रोसीजर एंड पार्ट्स ऑफ सैट, सुना है प्रोसीजर तो मैंने आपको बताया, एक बहुत प्यारी बात है, एक बहुत प्यारी बात है यहां पे। जब प्रोसीजर और पार्ट ऑफ सैट लिखा जा रहा था तो सैट ने क्या बोला, आई विल नॉट फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी, आई विल नॉट फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी, आई विल फॉलो माई ओन प्रोसीजर। वंडरफुल, ठीक है। बट वन पावर्स की बात आई तो सैट बोला आई वॉन्ट पावर्स लाइक सीपीसी, पावर्स लाइक सिविल कोड अंडर सीपीसी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना बेटा जी कि सेबी को 5 पावर्स मिले हैं, सेबी को 5 पावर्स मिले हैं लाइक अ सिविल कोड, उसी प्रकार से सैट को भी 8 पावर्स मिले हैं लाइक अ सिविल कोड, 8 पावर्स मिले। उसमें कुछ तो कॉमन पावर्स हैं, 3 पावर्स कॉमन है दोनों की। 3 कौन सी कॉमन पावर्स हैं? यहां पे लाके आपको बताता हूं, फोकस करो अच्छे से। यस वी विल फोकस 100% यहां पे। ये देखो ये उनकी 8 पावर्स है, फोकस करना। क्या सेम पावर हो गई? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग ऑन ओर ZOOP, requiring the discovery and production of documents, ZOOP, first 2 points सेम हो गए, requiring the discovery and production of documents and summoning any person and enforcing him on oath, last point issuing commissions and examination of any document, वो भी सेम है, issuing commission for examination of witness or document। यहां पे 4 नए पॉइंट है, क्या नए पॉइंट है देखो, फोकस करना अच्छे से। हम क्या पढ़ रहे हैं? पावर ऑफ सैट, पहला पावर, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, क्या आप एविडेंस को ले सकते हैं ऑन एफिडेविट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ओके, नेक्स्ट, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, सैट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, सो रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट एंड रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन, दो पावर्स हैं सैट के। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट दो पावर्स हैं थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट ये हैं बहुत आसान। सुना, सैट हैज़ द पावर टू डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइड इट एक्स पार्टे। तो एफ पॉइंट में सैट के पास एक पावर है दैट सैट कैन डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडेड एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब एक ही पार्टी की बात सुनकर डिसाइड कर लिया, एंड डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट मतलब कि एप्लीकेशन आया मेरिट्स में गए नहीं और पहले डिसमिस कर दिया। सो सैट हैज द पावर टू डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट एंड डिसाइडेड एक्स पार्टी। वंडरफुल, ओके, सुनना, ये एफ हो गया। यार ये दोनों है ना बहुत एक्सेप्शनल केसेस में यूज करते हैं, तो सैट को लगता है जो मैंने डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन ऑन डिफॉल्ट कर दिया है या फिर आई पास एन ऑर्डर एक्स पार्टी, यार ये सही नहीं है। तो नेक्स्ट पावर इज नथिंग बट सैट कैन सेट असाइड इट्स ओन ऑर्डर, सैट कैन सेट असाइड इट्स ओन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट एंड द डिसीजन गिवन एक्स पार्टी। जो पिछले पॉइंट में पावर था उसी को डिस्कार्ड सेट असाइड करने का पावर अगला है। ब्यूटिफुल पॉइंट, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास एक्स पार्टी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो F और G सप्लीमेंट पॉइंट्स है, सप्लीमेंटिंग ईच अदर। F says that SEBI has a power to dismiss any application for default or pass any order ex parte, and वहीं पे G में लिखा है that SEBI के पास, SAT के पास पावर है to set aside any order passed where dismissal of any application of default or any order passed ex parte। तो ये जो F में पास किया है उसको set aside करने की पावर यहां पर आती है and any other matter आ जाता है। तो समझो, याद करना बहुत आसान है, 8 पावर्स है, राइट, 8 तो कुछ है नहीं, एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब आ गया, तो 3 तो पुरानी है, 4 नहीं है, तो 3 + 2 + 2 कैसा, 3 तो पुरानी हो गई, ZOOP, ZOOP, इशुइंग कमीशंस, राइट, इशुइंग समन्स एंड एग्जामिनिंग एनी पर्सन ऑन ओथ, नेक्स्ट हो गया इशुइंग ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड हो गया इशुइंग कमीशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर 2 + 2 कौन से, रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन एंड रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, और लास्ट के 2 ये हो गए कि सैट इज अ पावर टू डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट
और पास एन ऑर्डर एक्स पार्टे। नेक्स्ट पावर ये हो गया सेटिंग असाइड, कि जो पिछले पॉइंट में ऑर्डर पास किया उसी को सेट असाइड करना, सेटिंग असाइड ऑफ एनी ऑर्डर, सेटिंग असाइड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन और एनी ऑर्डर पास एक्स पार्टे, उसको सेट असाइड कर सकता है। ये हो गया सेट के पावर्स, ब्यूटीफुल। ये हो गया प्रोसीजर पावर्स ऑफ सेट। नेक्स्ट आता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कि सेट के समक्ष कोई भी व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। द पर्सन कैन अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ लॉयर और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज वेल, इंटरमीडियरी या फिर कोई ऑफिसर है उसको भी अपॉइंट कर सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पावर ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप खुद भी कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर या कभी भी कंपनी के ऑफिसर को भी आप अपॉइंट यहां पे कर सकते हो फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है लिमिटेशन को लेके, लिमिटेशन को लेके सिंपल है कि लिमिटेशन किस प्रकार से अप्लाई होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर एंड स्टाफ ऑफ सेट टू बी पब्लिक सर्वेंट, कि ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सिविल कोड नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, इतना सा पॉइंट है कि सिविल कोड डज नॉट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन। एंड एक और पॉइंट बता देता हूं जो आप आगे देखेंगे, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सेम, क्या दैट सिविल कोड डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन एंड साथ ही साथ सिविल कोड इंजंक्शन भी ऑर्डर नहीं कर सकती है। केस तो ले नहीं सकती, कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टी का ये बहुत इश्यू अर्जेंट आप इंजंक्शन दे दो, सिविल कोर्ट डज नॉट टेक अप द केस, कैन नॉट टेक अप द केस एंड कैन नॉट इवन गिव एन इंजंक्शन ऑर्डर, कैन नॉट इवन गिव एन इंजंक्शन ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तो अगर आप सैट के ऑर्डर से खुश नहीं है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 60 डेज यू कैन फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। और वहां पे हमने पढ़ा अपील कैन बी फाइल ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और 60 डेज के बाद अगर फर्दर 60 डेज में भी अगर आप चाहें तो अपील फाइल कर सकते हैं। इफ सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज, तो सुप्रीम कोर्ट अपील लेगी इन द फर्दर 60 डेज। एंड वी आर डन विद अप टिल here. I hope you are in a very sorted position with us. एकदम मस्ती में आ रहा हूं। तो SAT का हमारा 90% हो चुका है, लास्ट का एक पार्ट बाकी है, that is miscellaneous. ये तो पता भी नहीं चलेगा आपको, ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। I hope you're all with me in a wonderful, wonderful fashion. I hope you're all with me in a wonderful, wonderful fashion. Right? Shall we continue, people? Shall we continue? कंटिन्यू करेंगे, कह रहा हूं। बोलो हां। लुक द रिविजन इज गोइंग टू बी वंडरफुली यूजफुल फॉर यू, व्हाई आई विल टेल यू। एक तो अभी रिविजन हो जाएगा, देन यू विल हैव दिस क्लिप। आपको जब ऐसा करना है ना, देखो कैसा है सीए फाइनल में, यू नेवर नो क्या हो सकता है, किसी का अटेम्प्ट बहुत नियर हो, हो सकता है किसी का अटेम्प्ट थोड़ा सा दूर हो, तो आप जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं ना, पूरा रिवीजन, यू जस्ट सी दिस रिवीजन एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक, राइट। एंड यू सीन दिस रिवीजन इफ एट ऑल मल्टीपल टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन, यू सॉर्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्या बात है। यस सर, आ गया। चलिए, एंड विद दिस लेट्स हिट द लास्ट टॉपिक, द लास्ट पार्ट ऑफ सेबी एक्ट, मिसलिनियस। फोकस करना अच्छे से, मिसलिनियस। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, देखना है पे? अगर हम चार्ट बुक में देखना चाहें, ये देखो, ये आ गया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, सेक्शन 16 से लेकर यहां से एंड तक जाता है आपका, यहां से एंड तक जाता है, वैलिडिटी ऑफ सर्टेन एक्ट्स। फोकस करना अच्छे से, 100% फोकस यहां पर। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, मिसलिनियस। Power of central government to issue directions, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Section 16, power of central government to issue directions, that central government has the power to issue directions to SEBI SAT, कि जो central government बोलेगा वही SEBI करेगा, जो जीआईजी बोलेंगे मैं वही करूंगा, जो central government बोलेगा वो SEBI करेगा, on policy decision, कि जो policy decision पे central government ने बोल दिया वो final है। बट सर, वॉट इज पॉलिसी डिसीजन, वॉट इज नॉट पॉलिसी डिसीजन, इस बात पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये पॉलिसी डिसीजन है तो बात खत्म। क्या लिखा है? द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर अ क्वेश्चन इज ऑफ पॉलिसी और नॉट शैल बी फाइनल। और हर पॉलिसी वाले इशू पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वो होगा। तो पॉइंट सेक्शन नंबर 16 सिंपली सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन एंड सैट को उसको मैंडेटरली फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेबी, सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर कर सकता है टू सुपरसीड सेबी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये कब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सेबी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, ये टेक्निकल मेंबर अच्छे से लोग काम नहीं कर रहे, सुपरसीड सेबी। जैसे ही सुपरसीड किया, उसका इफेक्ट पता है, ये सब लोगों की जॉब वेकेंट हो गई है, इन सब, ये सब निकल चुके हैं, ऑल ऑफ द पोस्ट हैव बिकम वेकेंट एंड नाउ
सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट किन लोगों को वो चाहता है फॉर द टाइमिंग कंटिन्यू करें. द पावर टू सुपरसीड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि सैट सैट के जो लोग हैं पूरा छोड़ देंगे एंड देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट पीपल टू मैनेज द अफेयर्स. ठीक है, मैक्सिमम सिक्स मंथ्स. इन सिक्स मंथ्स के अंदर जिस दौरान पे वो एंड करेंगे कि अब सुपर सेशन हम खत्म कर रहे हैं, वहां पे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म सैट. ना आपको समझ में आ रहा है, मान लो अभी सैट में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ये लोग काम कर रहे थे. ठीक है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया कि हम सुपरसीड करते हैं, तो ये तीनों लोग निकल जाएंगे. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक्स और वाई को, एक्स और जेड, कि अब तुम लोग काम करो चार महीने के लिए लोग काम कर रहे हैं. जब ये सुपर सेशन खत्म होगा तब वापस किसी को अपॉइंट करना है ना, अब वापस कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो एबीसी पहले थे ना उनमें से भी कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकती है, और चाहे तो पूरे नए लोगों को भी अपॉइंट कर सकती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू सुपरसीड द बोर्ड सेबी फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम सिक्स मंथ्स. सेबी सैट ये सब चलता है मोस्टली यहां पे, सेबी नॉट सैट, सेबी. तो जो चेयरमैन हो गया, आपके मेंबर्स हो गए, इन सबको सुपरसीड कर सकता है. क्लियर है यहां पे? रीजन फॉर सुपरसीशन क्यों करेगा, ग्रेव इमरजेंसी है. उनको लगता है कि बोर्ड हैज परसिस्टेंटली डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफॉल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस व्हिच हैज रिजल्टेड इन अ नुकसान ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेज है विच मेक्स इट नेसेसरी. क्या चार केस बोले? ग्रेव इमरजेंसी है, वो परसिस्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं मान रहा है, उन्होंने डिफॉल्ट किया जिसके कारण फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव नुकसान हुआ है यहां पे, और लास्ट क्या हो गया है कि भाई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इट इज द नीड ऑफ द आवर. ओके, उसके बाद में इफेक्ट क्या होगा, सप्रेशन का मतलब सबको निकाल दिया जाएगा. रिकॉन्स्टिट्यूशन जब किया जाएगा तब वो चाहें तो उन्हीं लोगों को वापस भी अपॉइंट कर सकते हैं. कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट के पास जाएगा. क्लियर है? और रिटर्न रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगे, सुना ध्यान से, रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बाय द बोर्ड शैल विद इन 90 डेज आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब गिव अ ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. क्या कह रहे हैं ये? जैसे ही ईयर एंड होता है उसके 90 डेज के अंदर जो भी आपने पॉलिसी प्रोग्राम्स की उन सबका आपको रिपोर्ट देना है. जैसे कि हमने पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना था ना वैसा पढ़ा था वैसा ही, एंड इट हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट. ये क्या पढ़ रहे हैं? रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. कोई बड़ी बात नहीं है. यहां पे हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने पढ़ा सुपर सेशन वाला पॉइंट. सुपर सेशन वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, बाकी तो रिटर्न रिपोर्ट इजी पॉइंट आएंगे. सुपर सेशन वाला पॉइंट अच्छा है कि कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो सुपरसीड कर सकती है सेबी को, उनके सारे लोग वेकेंट हो जाएंगे, नए लोगों के साथ वो काम करेंगे मैक्सिमम सिक्स मंथ्स, और सिक्स मंथ्स के अंदर इनको वापस कॉन्स्टिट्यूट करना है सेबी को. ठीक है, दैट वॉज पार ऑफ सेंट्रल सुपरसीड रिटर्न रिपोर्ट के 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर में एक रिपोर्ट देना है, रिटर्न देना है कि हमने साल भर में क्या क्या किया है, और वो पार्लियामेंट में भी रखी जाती है. डेलीगेशन, ये वही बात कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट द पावर टू सेबी. अपील्स, आ जाओ यहां पे, अपील को लेके कुछ नया नहीं है. अपील्स, अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कब हुआ करता था, आपको क्यों नहीं पढ़ना है? पहले एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, अगर आपको मैं दिखाना चाहूं यहां पे कैसा, यस, सिक्योरिटीज ऑफ सेकंड अमेंडमेंट 1999. इसके पहले जो केस थे तो वो सैट वगैरह नहीं बना था, तो उनका एक अलग प्रोसीजर हुआ करता था. तो उसके बाद में जो हमने प्रोसीजर पढ़ा है वो अप्लाई होता है. आज की तारीख में क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है, जो हमने पढ़ा है सैट के बारे में, तो ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करता है. क्लियर है? एंड अपील हैज टू बी मेड इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, नो अपील आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड. कि लिमिटेशन अप्लाई करेगा, जो आपका लिमिटेशन एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा ना, नहीं आपके सिलेबस में लिमिटेशन एक्ट नहीं होता, तो एक एक्ट है इंडिया में लिमिटेशन एक्ट, जो कि आपको प्रोहिबिट करता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आज किसी के साथ कुछ गलत किया, ठीक है, लेकिन उसने मेरे ऊपर केस फाइल नहीं किया, 10 साल बाद वो कहता है कि नहीं नहीं इसने मेरे साथ गलत किया था, मुझे केस फाइल करना है, ऐसा नहीं होता. देयर इज समथिंग नोन एज लिमिटेशन पीरियड, कि एक बार एक टाइम पीरियड जो कि जनरली 3 इयर्स होता है वो एक्सपायर हो गया, तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते. तो आपके लीगल राइट जो है उसका एक टाइम पीरियड होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज बार ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन. क्या कहता है ये कहता है दैट सिविल कोर्ट जो है उसके पास कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन का राइट नहीं होगा, ना ही वो इंजंक्शन ऑर्डर कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और हमारे सेबी के पास रहेगा. मेंबर ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, पिछले पॉइंट में सेबी के सैट के सबके बारे में लिखा था, और यहां पर सेबी के सब लोगों के बारे में लिखा है कि ये भी पब्लिक सर्वेंट है. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ सेक्शन 23. अरे बहुत इजी सेक्शन चल रहे हैं. ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि जो भी एक्शन सेबी ने, उसके ऑफिसर ने, सैट ने, हम सब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, जो भी एक्शन लिया है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल समझो कि सेबी का अभी चेयरमैन है एक्स व्यक्ति, ठीक है, एक्स व्यक्ति से चेयरमैन ऑफ सेबी, उसने किसी के अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की, तो वो व्यक्ति उस चेयरमैन उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है.
अपील करता है बात अलग, उसके अगेंस्ट केस फाइलिंग, इसने गलत किया, अरे भाई साहब द पर्सन हैज डन हिज जॉब इन गुड फेथ सो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, सो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो जिस भी व्यक्ति ने गुड फेथ में जो काम किया है अपनी जॉब के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो काम किया उसके लिए उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। फिर ऑफेंसेस दिए, देखो वैसे तो बेटा जी आप पूरे ऑफेंसेस पढ़ चुके हो जो हमने 15 में पढ़ा था, बट एक जनरल ऑफेंस यहां पे क्या दिया है इसको भी पढ़ लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रोविजन वायलेट किया, किसी व्यक्ति ने कोई भी प्रोविजन वायलेट किया तो उसके ऊपर क्या होगा, इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years, इंप्रिजनमेंट ऑफ हाउ मच 10 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 crore और विथ बोथ, तो एक व्यक्ति पे 10 years, 10 years तक का इंप्रिजनमेंट लग सकता है या फिर फाइन अप टू 25 crore और विथ बोथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अगर मान लीजिए उस पर हमने पेनल्टी वगैरह इंपोज की 25 crore की, उसने पे नहीं की, तो नॉर्मली अगर डिफॉल्ट किया तो इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 10 years, मिनिमम कुछ नहीं है इंप्रिजनमेंट का, पेनल्टी मैक्सिमम 25 crore, ठीक है खत्म। लेकिन अगर पेनल्टी इंपोज की वो भी उसने पे नहीं किया तो क्या है, सुनना, तो इंप्रिजनमेंट मिनिमम 1 month विच में एक्सटेंड टू 10 crore 10 years। तो क्या कह दिया उन्होंने, नॉर्मल डिफॉल्ट पे मिनिमम इंप्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम है 10 years का, लेकिन अगर हमने पेनल्टी पे नहीं की है तो मिनिमम 1 month मैक्सिमम 10 years एंड अप टू वापस 25 crore और विद बोथ। आई हैव अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है आपका 24A, कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये क्या कहता है, जो भी ऑफेंसेस विद फाइन या फिर फाइन और इंप्रिजनमेंट है, दे आर कंपाउंडेबल, वो कंपाउंड किए जा सकते हैं, एंड जो भी ऑफेंसेस विद इंप्रिजनमेंट ओनली या फिर इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है वो कंपाउंड नहीं किए जा सकती। आप बचपन में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। पार्ट टू ग्रांट इम्यूनिटी, ये अच्छा है, फोकस करना, पार्ट टू ग्रांट इम्यूनिटी। यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैज अ पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है समझेगा, अगर किसी व्यक्ति से कोई ऑफेंस हो गया, देखो पहले भी एक सेक्शन था सेटलमेंट का, सेटलमेंट के अंदर क्या है कि अगर मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है, सुनना, मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहे हैं और मैं एप्लीकेशन दे देता हूं, सुनो ना मुझसे गलती हुई है, प्लीज आप फाइन देके खत्म करो ना, और सामने अथॉरिटी को लगता है कि हाँ खत्म करते हैं, तो वहां पे सेटलमेंट हो जाता है कि फाइन दिया एंड केस खत्म हुआ, दैट इज सेटलमेंट। दिस इज डिफरेंट इम्यूनिटी। यहां पे क्या होता है, इफ एनी पर्सन बिफोर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, सुनना ध्यान से, माइंड माय वर्ड्स, एनी पर्सन बिफोर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम वॉलंटरली कम्स एंड गिव्स फुल डिस्क्लोजर ऑफ द डिफॉल्ट मेड, वॉलंटरली कम्स एंड गिव्स फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द डिफॉल्ट मेड। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैज अ पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। तो कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई है, अरे जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई है, अब वो इम्यूनिटी के लिए नहीं आ सकता, आप थोड़ी आए आगे बढ़ के, आपके अगेंस्ट तो प्रोसीडिंग चालू हो गई थी, लेकिन किसी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई है वो आगे बढ़ के जाके वॉलंटरली डिस्क्लोज कर रहा है अपनी चीजें, इज गिविंग फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड का रिकमेंडेशन अनिवार्य नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगा तो ही वो इम्यूनिटी ग्रांट करेंगे। इम्यूनिटी जब ग्रांट करेंगे इट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और अगर मान लीजिए बाद में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, तो फिर उसके अगेंस्ट बाद में भी पनिशमेंट लिया जा सकता है। सो 24B, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, राइट, विड्रॉ भी कर सकते हैं। कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निसेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। 26, कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, क्या कोर्ट खुद से कॉग्निसेंस ले सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस, तो यहां पर लिखा गया जी नहीं, कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस खुद से कॉग्निसेंस नहीं ले सकते, कोर्ट्स खुद से कॉग्निसेंस नहीं ले सकते, समवन हैज टू फाइल अ कंप्लेंट। सो 26 सेज कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, देन कम स्पेशल कोर्ट, अच्छा है कांसेप्ट, स्पेशल कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट, समझना अच्छे से। एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है तो वो स्पीडी ट्रायल के लिए, कीवर्ड समझते रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है तो वो स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप कर सकती है। स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज, ये सिंगल जज क्या होना चाहिए, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ सिंगल जज, ठीक है। सिंगल जज को कौन अपॉइंट करता है, ये स्पेशल कोर्ट जिस एरिया में फॉर्म हो रही है, मान लीजिए स्पेशल कोर्ट राजस्थान में फॉर्म हो रही है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, सुना ध्यान से, शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्करेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन द जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए स्पेशल कोर्ट बन रहा है पुणे में, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसके साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सो हम पढ़ रहे हैं स्पेशल कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट फॉर्म कर सकता है। स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, शुड बी अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन इन कॉन्करेंस विद हुम चीफ जस्टिस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन पढ़ लिया मैंने, ठीक है। ऑफेंस ट्रायल कौन कौन से ऑफेंस होते हैं,
कौन ट्राई करता है? तो सिंपल है, अगर मोर देन वन स्पेशल कोड है तो आपके जुरिस्डिक्शन में, जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ वो ट्राई करके, दिस नथिंग मच हियर, ठीक है। ध्यान रखना स्पेशल कोड के बारे में क्या, चार पॉइंट पढ़ चुके हैं। बने रहो बस, दिस सेबी एक्ट इज अबाउट टू एंड, सेबी एक्ट इज अबाउट टू एंड, समझना अच्छे से। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले स्पेशल कोड की बात करते हैं। स्पेशल कोड के अंदर क्या क्या हो गया, स्पेशल कोड के अंदर हमने पढ़ लिया सबसे पहले स्पेशल कोड फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज appointed by Chief Justice of India in consultation with the respective Chief Justice appointed by central government, appointed by central government in consultation with Chief Justice of that High Court, and qualification क्या है, session judge or additional session judge, ठीक है। Application of court to proceeding before special court, एकदम अलग कहानी है यहाँ पे कि special court focus करना, ये अच्छा point है, ये अच्छा point है। Application of court to proceeding before special court के हमने बहुत carefully discuss किया था कि special court के अंदर जो proceeding होगी उसका क्या, तो इन्होंने कह दिया एज पर सीआरपीसी दिस स्पेशल कोर्ट शैल बी अ सिविल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट शैल बी अ सिविल कोर्ट एज पर सीआरपीसी, द पर्सन हु विल बी प्रोसिक्यूटिंग हियर शैल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर सीआरपीसी, शैल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर सीआरपीसी, फोकस करना, ठीक है। तो क्या बोला सबसे पहली चीज, तो स्पेशल कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ सेशंस, सॉरी नॉट सिविल कोर्ट, शैल बी अ कोर्ट ऑफ सेशंस, तो स्पेशल कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ सेशंस CRPC के हिसाब से, एंड जो यहां पे प्रोसिक्यूट करेगा द पर्सन शैल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द पर्सन शैल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सर कौन स्पेशल कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएगा, सुनना, अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years, अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन अ स्पेशल कोर्ट। फर्दर any person who has held a post for a period of not less than 7 years under center or state requiring special knowledge of law, to koi bhi vyakti agar center ya state union ya state mein aisi job kar raha hai which requires special knowledge of law, wahan pe bhi 7 years ka experience hai, to wo bhi vyakti practice kar sakta hai special court mein। to special court mein practice karne ke liye advocate ko do cheeze chahiye, jo bhi prosecutor ko do cheeze chahiye, ya to wo advocate hona chahiye for 7 years ya fir the person should be working in a गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉर 7 years वेयर द जॉब रिक्वायर्स अ स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। आई होप यू आर विद मी। बस हम लोग अंत की करीब है, यहां पर हम ट्रांजिशनल प्रोविजन आपको कोई मतलब नहीं है। ऑफेंस बाय कंपनीज, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, अगर कभी भी मान लीजिए कंपनी से कोई ऑफेंस होता है, कंपनी से ऑफेंस होता है तो हुज गोइंग टू बी लायबल, हुज गोइंग टू बी लायबल, तो हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। अगर कंपनी से कोई भी ऑफेंस होता है तो जो भी कंपनी के अंदर व्यक्ति है, राइट, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी लायबल, दे आर गोइंग टू बी लायबल। बट इफ इट ऑल द पर्सन प्रूव्स, द पर्सन प्रूव्स कि मेरे कनिवेंस से नहीं हुआ है, मेरे कंसेंट से नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, तो दैट पर्सन विल नॉट बी लायबल। तो ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी कभी बच सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कंपनी में जो कि ऑफिसर भी था लेकिन उसके कंसेंट से हुआ है, उसके कनिवेंस से हुआ है या फिर उसके नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लायबल। सो ऑफेंस बाय कंपनी मतलब अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है तो आप किसको लायबल हेल्ड करोगे, वो यहां पर हम देखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ अमाउंट, ये वो सेक्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि रिकवरी ऑफ अमाउंट में क्या होता है, बट यहां पे खास चीज बताऊंगा, सुनना रिवीजन में, कि रिकवरी ऑफ अमाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर कभी भी रिकवरी ऑफिसर आता है यहां पे, वो एक सर्टिफिकेट बनाता है कि इतना इतना अमाउंट इसका ड्यू है, और उसके बाद में रिकवरी करने के लिए उतरता है, सबसे पहले क्या करता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयर आफ्टर अगर फिर भी नहीं होता तो अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड डिटेंशन एंड प्रिजन, एंड देन इफ रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अगर कोई मूवेबल इमूवेबल सेल नहीं किया बचा हुआ है तो, ठीक है। यहां पे क्या है, एक प्रोविजन बहुत काम का है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, राइट। तो इफ यू रिमेंबर हमने रेगुलर बैच में केयरफुली पढ़ा था कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो चार लोगों के नाम यहां पे स्पेसिफाइड हैं कि उन चारों को अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, उन चारों को अगर आप प्रॉपर्टी देते हो, कब, आफ्टर द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बनने के बाद में अगर उन चारों में से किसी को अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं तो नहीं, ये प्रॉपर्टी आप ही की मानी जाएगी, ये प्रॉपर्टी आप ही की मानी जाएगी। आई होप यू रिमेंबर द प्रोविजन। नेक्स्ट कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ बोर्ड, ठीक है, हमारे काम के पे आते हैं हम लोग, रुको, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रेगुलेशन, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स, हमारे सिलेबस में सारे सेक्शंस नहीं है, जो जो हमारे सिलेबस में लिए हैं, कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनीज है, रिकवरी ऑफ अमाउंट मैंने आपको बताया, ये यहां पर देखो जो मैं बता रहा था, इन चार टेन का लेक्चर है, ओके ओके, देखते हैं कुछ, ठीक है, और सुनो ना, अरे सुना अंकुश, यस पीपल, चलिए तो हम लोग कहां पे थे, ये चार लोग हैं, ये चार लोगों के अगर आपने फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है रिकवरी सर्टिफिकेट बनने के बाद,
तो फिर ये प्रॉपर्टी फिर भी आप ही की मानी जाएगी। आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, इनके चारों के नाम पे कर दिया तो नहीं होगा। सेबी एक्ट में यही लिखा है चारों के लिए, क्या? स्पाउस, सेकंड माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ एंड सन्स माइनर चाइल्ड। वाइफ, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ और सन्स माइनर चाइल्ड। स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ एंड सन्स माइनर चाइल्ड। याद कर लो, स्पाउस हस्बैंड वाइफ, माइनर चाइल्ड आपका माइनर चाइल्ड है, सन्स वाइफ आपकी बहू, सन्स माइनर चाइल्ड आपका पोता पोती। इनके फेवर में अगर आपने दिया है तो वो प्रॉपर्टी फिर भी आपकी मानी जाएगी। सुना, एक चीज कैसी थी कि मान लो हमने ट्रांसफर की थी सन के माइनर को, हमारे सन को ट्रांसफर की थी जो कि माइनर था, ठीक है, लेकिन अब वो मेजर हो गया है, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या प्रॉपर्टी फिर भी ले सकते हैं? नहीं, अरे फिर भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। एक माइनर सन को दी थी, जब प्रॉपर्टी दी थी तब वो माइनर था, तो प्रोसीडिंग चल रही है, इसी प्रॉपर्टी वापस उससे ली जा सकती है, बिकॉज आपने उसको ट्रांसफर की थी फॉर अवॉइडिंग द अटैचमेंट, राइट। चलिए, उसके बाद में आता है कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग, और ये बहुत अच्छा, रुक जाओ यहां पे आ जाओ, कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग ये भी अच्छा है, ये आप खुद से पढ़ेंगे ना तो परेशानी होती है। कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग फोकस करना अच्छे से, कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए कभी किसी के अगेंस्ट केस चल रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट केस चल रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या? सुनना मेरी बात को अच्छे से। सबसे पहले कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट अगर पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया था, अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है, ऑर्डर पास हो गया फिर डेथ हुई, तो यह पैसा रिकवर किया जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। रुको, इसके लिए आपके एक चार्ट से मैंने पढ़ाया था, वही चार्ट ओपन कर लेता हूं, बहुत लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। ओ यस, ये रहा, यस पीपल फोकस करना अच्छे से। सबसे पहले ये केस देखो, प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड, आपने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, ऑर्डर भी आ गया, आपने ऑर्डर भी कर दिया है, एंड देन द पर्सन हैज डाइड, डेथ हो गई है। समझना, प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर भी पास कर दिया, पेनल्टी इंपोज कर दी, फिर उस व्यक्ति की डेथ हो गई, मनी टू बी पेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव इवन द पेनल्टी। तो पेनल्टी और मनी जो भी रीइंबर्समेंट का ऑर्डर है, मान लीजिए उसको कुछ रिफंड करना है, सब कुछ किसको करना होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। सो इफ इट ऑल किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, हर्षद मेहता के अगेंस्ट हमने पेनल्टी वगैरह ऑर्डर की, 10 करोड़ की पेनल्टी है और 50 करोड़ का रीइंबर्समेंट है उससे, एंड ऑर्डर पास करने का उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पैसा भरेंगे। किस हद तक? लिमिट है, देखो नीचे का नोट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट लेफ्ट बाय डिसीज्ड, कि उस व्यक्ति के मरने पे वो जितनी एस्टेट छोड़ के गया उसी से भरेंगे। तो मान लो आज एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो 10 करोड़ का एस्टेट छोड़ के गया और वो 200 करोड़ की पेनल्टी छोड़ के गया, भरना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज है कि वो 10 करोड़ की पेनल्टी है उसके नाम पे और 200 करोड़ का एस्टेट है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ 200 करोड़ भरना है, बचा हुआ नहीं भरना है। सो द पॉइंट इज जस्ट कि डिसीज के बाद में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जेब से भरना पड़ रहा है, ये नहीं होगा, उसके एस्टेट से ही भरेंगे। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया, इफ अ पर्सन हैज डाइड लेकिन उसके पहले ही ऑर्डर आ गया था, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल हैव टू पे। ऊपर वाले केसेस देखो क्या है, प्रोसीडिंग्स हैव नॉट येट बीन इनिशिएटेड, इनिशिएट ही नहीं हुई है और उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर मान लो हर्षद मेहता के अगेंस्ट अभी तक केस फाइल नहीं हुआ था, उसकी डेथ हो गई फिर पता चला, फिर भी आप केस फाइल कर सकते हो अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक्सेप्ट फॉर पेनल्टी। पेनल्टी नहीं लोगे, रिफंड रिइंबर्समेंट ये सब ले सकते हो, क्योंकि क्या पेनल्टी का पर्पस होता है कि वो व्यक्ति आगे गलती नहीं करे, अरे उसकी तो डेथ हो गई ना। So, अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ऑर्डर भी आ चुका था, फिर डेथ हुआ, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं की थी और डेथ हो गई, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, और मान लो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी और फिर डेथ हो गई है, तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एक्सेप्ट फॉर पेनल्टी। कहने का मतलब है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई एक बार और तब तक ऑर्डर नहीं आया था, तो ऑर्डर में पेनल्टी प्रोविजन नहीं आ सकते, रिफंड रिइंबर्समेंट ये सब आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मेन क्रक्स यही था कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो चुकी है और तब कोर्ट का ऑर्डर था, तो एलआर को पे करना पड़ेगा। उसकी मृत्यु हो गई है और अभी तक केस शुरू भी नहीं हुआ था, तो केस शुरू करेंगे एलआर के अगेंस्ट। केस शुरू हो गया था बट अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो केस कंटिन्यू करेंगे एलआर के अगेंस्ट। इजी, डेथ हो गई और कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, तो पेनल्टी नहीं आ सकती है। लेकिन अगर डेथ कोर्ट का ऑर्डर आ गया था फिर डेथ हुई है, तो पेनल्टी जो आई थी वो पे तो करनी पड़ेगी। आई होप यू वेरी क्लियर विद दिस। चलिए, तो इसके बाद में पार्ट टू मेक रूल्स एंड पार्ट टू मेक रेगुलेशन, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। पार्ट टू मेक रूल्स एंड पार्ट टू मेक रेगुलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पार्ट टू मेक रूल्स सेक्शन 29 एंड सेबी हैज अ पार्ट टू मेक रेगुलेशन सेक्शन 30। और इसी के तहत सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशन भी बनाए, तो सेबी का बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे सेबी रेगुलेशन बना सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पार्ट टू मेक रूल्स। ये है सेक्शन आपका।
और कुछ भी नहीं है. देन जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, सेक्शन 31 सेज कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं दे हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट. जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं दे हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट. एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, सेक्शन 32 कहता है कि सेबी आने का मतलब नहीं कि उसके पहले के जो लॉज हैं एससीआरए या उसके बाद में डिपॉजिटरीज एक्ट है ये अप्लाई नहीं करेंगे. एससीआरए डिपॉजिटरीज एक्ट अपनी जगह पे चलते रहेंगे. सेबी एक्ट भी सप्लीमेंट करेगा सिक्योरिटीज मार्केट को. तो दूसरे लॉज चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे. पार्ट टू रिमूव डिफिकल्टी ये अभी काम करनी है. जब सेबी एक्ट आया था तब उन्होंने 5 साल का समय दिया था कि कोई भी सेबी एक्ट का प्रोविजन है जो कि इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो उससे आप अभी हटा लो. इनिशियल 5 ईयर्स का टाइम पीरियड था, वो तो जा चुका है. एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एकदम लास्ट में कि कोई भी ऐसा एक्ट है, मान लीजिए कोई एक्ट हो गया जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए ना कि कोई भी अगर एक्ट कर दिया और उसके बाद में पता चलता है कि कुछ भी इशू था फिर भी द एक्ट वुड रिमेन वैलिड. यहां पर द सेम थिंग इज वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स. दैट्स इट. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट वी हैव रिवाइज द एंटायर सेबी एक्ट कंप्लीटली. एंड आई थिंक हाउ मच टाइम वी हैव टेकन अराउंड 2 आवर्स. तो इन 2 घंटों में सेबी एक्ट आपका पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका है. एंड टू एंड सेबी एक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन दिस. आर यू पीपल विथ मी? यस पीपल. चलिए तो मैं आशा करता हूं कि दिस रिविजन वॉज रियली सुप्रीमली बेनिफिशियल. What are we yet to do in the second half? Second half में हमारी इच्छा क्या है? हम LODR को पूरा revise करना चाहते हैं. LODR should be revised thoroughly. Detail में LODR should be revised. And LODR के बाद में we have to do past year questions. पूरे past year questions, SEBI और LODR के. These two things we have on the card. Okay, people. Yep. Oh, yes. Sorry, बहुत बड़ी बात बोली. CIS का discussion रह गया. Yes, people. चलो, फटाफट से CIS के बारे में बात कर लेते हैं. CIS एक ऊपर टॉपिक था जो कि हमने ड्यू रख दिया था एंड में डिस्कशन के लिए. What is CIS? Understand? CIS एक ऐसी टाइप की बॉडी बनी है. Yes, wonderful. Thank you. CIS को भी फटाफट से हम रैपअप करते हैं. CIS क्या है? एक ऐसी बॉडी बनाई थी जिससे कि पैसा एक कलेक्टिवली इकट्ठा होकर इन्वेस्ट हो सकता है. वो CIS है. फोकस करना अच्छे से. तो CIS की डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है, फोकस ये. आपको याद आ रहा है हमने कैसे पढ़ा था? यहां पे कुछ लोग हैं. कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रिफर्स टू अ स्कीम वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम. तो CIS रिफर्स टू अ स्कीम वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर पूल्ड. ये बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम. इन्वेस्टमेंट्स आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द CIS विथ अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट प्रोड्यूस इनकम और प्रॉपर्टी. द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द CIS विथ एन इंटेंशन टू रिसीव प्रॉफिट प्रोड्यूस इनकम और प्रॉपर्टी. द स्कीम इज मैनेज्ड बाय CIS ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर. And last, the investor do not have day-to-day, control over the scheme. ये 4 पॉइंट है. तो CIS refers to a scheme. CIS refers to a scheme where contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. The investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. Right? And the scheme manages the CIS manages the scheme on behalf of the investor and the investor does not have any day-to-day control. फिर इसकी डेफिनेशन में नीचे आता है इट एक्सक्लूड्स सर्टेन थिंग्स. देखते हैं यार, इधर आ जाओ. इट एक्सक्लूड्स सर्टेन थिंग्स, बस डेफिनेशन यही है. क्या बात है यार. CIS देखो, डेफिनेशन में 4 पॉइंट है. CIS रिफर्स टू स्कीम वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड विद द व्यू टू रिसीव प्रॉफिट प्रोड्यूस इनकम और प्रॉपर्टी. Property contribution investment forming part of scheme whether identified or not is managed. आगे नहीं लिखा है, is managed by CIS on behalf of the investor. And last, investor do not have day-to-day control over the scheme. Exception, exclusion. CIS does not cover cooperative societies. उसके बाद में उन्होंने पढ़ा NBFCs, contract of insurance, pension scheme, insurance scheme, deposits by company, deposits by Nidhi and chit business, mutual fund. ये सारी चीजें CIS में कवर नहीं होती. तो CIS जब भी आप पढ़ रहे हैं तो CIS का पहले तो 4 पॉइंट दिमाग में बैठ जाने चाहिए. उसके बाद में ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि ये सब CIS में कवर नहीं होते. क्लियर है? निधि बोल दो, चिट बिजनेस बोल दो, म्यूचुअल फंड हो गया. उसके बाद में हमारा ये तीनों जो डिपॉजिट्स होते हैं, तीनों टाइप के डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट हो गया,
उसके बाद में जो हमारे दूसरे दो और डिपॉजिट्स रहते हैं, ये सब निधि के डिपॉजिट हो गए, ये सब जो है ना, ये सब सीआईएस नहीं है। तो सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, मेन डेफिनेशन के चार पॉइंट दिमाग में क्लियर होने चाहिए। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रिफर्स टू अ स्कीम वेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम क्लियर है। देयर आफ्टर द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द स्कीम विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट प्रोड्यूस इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। The scheme is managed on behalf of investor and the investor does not have any day-to-day control over the scheme. Are you all with me? Clear kya hai Ron? Yes. So with this, now I can say Arun, that we are nicely done with the entire revision of SEBI Act. And as I was saying, in the next part, we'll be hitting LODR regulation and past year questions. Okay. So that'll be all. Thank you so much. I'll see people in the second part. Thank you so much for a nice patience. Shubham Sukhlecha this side, signing off. Thank you.